एतारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। सप्तम अध्याय सुभाषव का विशेष वर्णन। छठे अध्याय में अपन ने सामान्य रूप से आश्रव की चर्चा करी। नहीं ठीक है वो फिर गला थोड़ा। सातवें अध्याय में देख लो, सातवें अध्याय में आश्रव के अंतर्गत शुभाश्रव की चर्चा है। हे आश्रव तत्व की, आश्रव का उल्लंघन नहीं है लेकिन यहाँ शुभाश्रव की चर्चा है। वहाँ सामान्य रूप से शुभ और अशुभ दोनों आश्रव की चर्चा थी। एक तो क्या ये लोग बैठते भी सब पीछे ना, इतनी जगह पता नहीं आगे वालों को किसके लिए छोड़ते हैं, कौन आता है यहाँ, कोई VIP है ही नहीं अपने आप, ये सब पीछे जाते हैं। पहले तो इतनी जगह तो ये छोड़ ही रखी है, वो एक बस एक दिन ऐसा भी आने वाला जो एक जना वहाँ बैठा मिलेगा दरवाजे। नहीं कोई कोई यहाँ पे कोई ये कोई पिक्चर हॉल थिएटर तो ही नहीं कि हमने बालकनी का टिकट ले रखा है, बॉक्स का टिकट ले रखा है। पर इतनी इतनी जगह भी क्यों छोड़ रखी है समझ में नहीं, आदमी लोगों के लिए काहे के लिए है, क्यों ये काहे के लिए ये जो भी है घर चलो। तो यहाँ जो है जिस आश्रव की चर्चा है वो जिनके शुद्धोपयोग प्रकट होता है, जिन निराज के अथवा जिसकी परिणति में वीतरागता प्रकट होती है उसका शुभोपयोग किस जाति का होता है उसका वर्णन है। मतलब ये शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले शुभोपयोग का वर्णन है कि जिन मुनिराज के तीन कषाय चुपड़ी का अभाव हुआ है अथवा जिस श्रावक के दो कषाय चुपड़ी का अभाव हुआ है तो उसकी बाह्य प्रवृत्ति कैसी होती है। ये स्वयं शुद्धोपयोग नहीं है, ये तो उसके साथ रहने वाला शुभ आश्रव है लेकिन उसके साथ रहता है सहचारी रूप से, इस अपेक्षा से उसका वर्णन किया है कि उनका बाह्य आचरण भी होगा तो कैसा होगा, माने शुद्धोपयोग के साथ में किस जाति का शुभोपयोग होता है उसका वर्णन यहाँ किया। यहाँ क्या क्या वर्णन है देखो मैं आपको सामान्य रूप से बताता हूँ। यहाँ ये वास्तव में रत्नकरण श्रावकाचार्य का बीज है। ये किसका बीज है? रत्नकरण श्रावकाचार्य। रत्नकरण श्रावकाचार्य अथवा अंगार धर्मामृत जितने भी चरणानियोग के ग्रंथ है उनका बीज आपको सातवें और नौवें अध्याय में मिलेगा। सभी चरणानियोग के ग्रंथ में सामान्य रूप से व्रतों की चर्चा आती है। श्रावकाचार होगा तो अनुव्रत की, और अनगार धर्मामृत मूलाचार मुनिराज के आचरण का वर्णन करने वाला होगा तो उसमें महाव्रत की चर्चा होगी। ठीक इसी प्रकार इस अध्याय में भी पांच प्रकार के जो पाप है उन पांच पापों के त्याग की पांच पांच भावनाओं का वर्णन है। मैंने पांच सूत्र जो है वो पांच सूत्र प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाओं का वर्णन करने वाले सूत्र है। अहिंसा व्रत की पांच भावना, सत्य व्रत की, अचौर्य व्रत की, ब्रह्मचर्य व्रत की और परिग्रह त्याग व्रत की। इस प्रकार पांच सूत्र तो ये है। इसके अलावा पांच सूत्रों में पांच पापों का स्वरूप दिया है, पांच पापों की परिभाषा दी है। एक एक सूत्र में एक एक पाप की परिभाषा, कितने हो गए? 10। और 12 सूत्रों में देखो इसमें दिया है 12 सूत्रों के अंदर पांच पांच व्रतों के और पांच व्रतों के तीन गुण व्रतों के और चार शिक्षा व्रतों के, ऐसे 12 व्रतों के पांच पांच अतिचारों का वर्णन है और साथ में सम्यक्त के और संलेखना के अतिचारों का भी वर्णन है। तो 14 सूत्र में तो पांच पांच अतिचारों का वर्णन है, 14 सूत्र ही हो गए। 5 सूत्र में पांच पापों का वर्णन है, 14 और 5 19,
पांच सूत्रों में पांच व्रतों की पांच पांच भावना है, 19 और 5 24। दो सूत्रों में दान का वर्णन है, 24 और 2 26। और शुरू के सूत्रों में व्रतों के कितने प्रकार के भेद होते हैं उसका वर्णन है। व्रतों के दो भेद होते हैं ना, अणुव्रत और महाव्रत। देखो आप निकालो पेज नंबर इस वाली पुस्तक में, नहीं ये जो चार्ट वाली पुस्तक है इसके अंदर, चार्ट वाली पुस्तक में आप 100 पेज ही गायब है इसमें, 106 के बाद 139 सीधे। देखो दो सूत्रों में व्रत का लक्षण और व्रत के भेद है शुरू के दो सूत्रों में, और फिर बाद के पांच सूत्रों में प्रत्येक व्रत की रक्षा की पांच पांच भावनाएं, 2 और 5 कितने हो गए 7। क्या चक्कर, एक सूत्र ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, 3 4 5 6। अच्छा तीसरा सूत्र ये बात का सूचक है कि प्रत्येक व्रत की भावनाएं पांच पांच है, मैंने उस एक केवल सूचना मात्र है कि हर एक व्रत की भावना पांच पांच है, तो एक सूत्र उसका और पांच सूत्रों में पांच पांच व्रतों, एक एक व्रत की पांच पांच भावना, कितने हो गए 6 उसके। और पहले सूत्र में व्रत का लक्षण और दूसरे सूत्र में व्रत के भेद, पहले सूत्र में व्रत का लक्षण व्रत किसे कहते हैं और दूसरे सूत्र में व्रत के भेद कौन कौन से, तीसरे सूत्र में बात कही कि प्रत्येक व्रत की रक्षा की पांच पांच भावना है। ये किताब नहीं निकाली क्या, कम है यहाँ पे इसमें दिए सर, फिर सुन लो आप लोग तो, और पाप दुखदाई है तो दुख स्वरूप है ये वर्णन करने वाले दो सूत्र है, और एक सूत्र में दो सूत्रों में दो दो प्रकार की भावना है, मैत्री आदि चार भावनाएं और संवेग आदि वैराग्य भावना, फिर पांच पाप के लक्षण है, फिर तीन सूत्रों में व्रत का स्वरूप और उसके भेद है, एक सूत्र में 7 शील व्रतों का वर्णन है, एक सूत्र में संलेखना का वर्णन है, और बाकी 14 सूत्रों में फिर पांच पांच अतिचार है, और अंत में दो सूत्र में दान का वर्णन है। ऐसे पूरे कुल मिला के 39 सूत्र है। समझ में आया कैसे हुए ये, देखो बताता हूँ आपको। पहले सूत्र में व्रत का लक्षण, दूसरे में व्रत के भेद, तीसरे सूत्र में प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं, ये सामान्य रूप से कथन है। फिर उसके बाद में 3 तो ये हो गए, फिर 5 व्रतों की पांच पांच भावनाएं, 3 और 5 8। और फिर उसके बाद में 8 के बाद में पाप दुखदायी है और पाप दुख स्वरूप है ये वर्णन करने वाले दो सूत्र है, कितने हो गए 8 और 2 10। उसके 10 के बाद में 2 भावनाओं के, पहले में मैत्री आदि चार भावना, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, और दूसरे में संवेग उत्पन्न करने वाली भावना, 10 और 2 12। फिर उसके बाद में 5 पापों की परिभाषा, 5 पाप के लक्षण, कितने हो गए 17। फिर उसके बाद में व्रती कैसा होता है, व्रती में कौन कौन सी शल्य नहीं होती है, 3 सूत्र है उसके, कितने हो गए 17 और 3 20। फिर उसके बाद में 20 के बाद में 14 सूत्र, एक सूत्र में 7 शील व्रतों के नाम, कितनों के नाम 7 शील व्रत जो है, 4 गुण व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, एक में उसका वर्णन, कितने हो गए 21 हो गए। 21 के बाद में 14 सूत्रों में, नहीं 21 नहीं ज्यादा हो गए, देखो 26 हो गए। 26 के बाद में 14 सूत्रों में 14 अतिचारों का वर्णन, 14 प्रकार के जो व्रत, 12 तो व्रत, एक सम्यक दर्शन और एक संलेखना, सम्यक दर्शन और संलेखना ये 2 और 12 व्रत, ऐसे कितने हो गए 14 व्रतों, 12 व्रत और सम्यक दर्शन संलेखना, 14 चीजों के पांच पांच अतिचार, 26 और 14 40 नहीं हुए। और 2 सूत्रों में दान का वर्णन है 42, 3 ज्यादा गिने अपन ने, ऐसे 39। फिर बोलता हूँ मैं, देख याद हो जाएगा। पहले में व्रती का स्वरूप,
व्रत का स्वरूप और दूसरे में व्रत के भेद, तीसरे में पांच भावनाएं का वर्णन, मतलब पांच पांच भावना होती है हर एक व्रत की। तीन हो गए, तीन के बाद में फिर पांच पांच व्रतों की पांच पांच भावनाएं, पांच व्रतों की पांच भावनाओं के पांच सूत्र, तीन और पांच आठ। फिर उसके बाद पाप दुखदायी है, दुख स्वरूप है, आठ और दो दस। और फिर दस के बाद में पांच जो पाप है, मैत्री आदि भावना और संवेग आदि विराग भावना, इसके दो, दस और दो बारह। फिर बारह के बाद में पांच पापों के लक्षण, पांच पापों की परिभाषा, बारह और पांच सत्रह। और तीन सूत्रों में व्रती का स्वरूप और उसके भेद, सत्रह और तीन बीस। एक सूत्र में बारह व्रतों के, सात शील व्रतों के नाम, बीस और एक इक्कीस। और फिर चौदह सूत्रों में, चौदह नहीं, एक सूत्र में संलेखना का वर्णन, इक्कीस और एक बाईस। और फिर चौदह सूत्रों के अंदर अतिचारों का, बाईस और चौदह छत्तीस। तीन सूत्रों में दान का वर्णन, उनचालीस। ध्यान रखना आप, अब अपनी गाड़ी आराम से चलेगी। कितने विषयों का वर्णन है इस अध्याय में? पांच व्रतों का, पांच व्रतों मतलब पांच तो व्रत का स्वरूप है, व्रत के भेद हैं, प्रत्येक व्रत की पांच व्रतों की पांच पांच भावनाएं हैं, और उसके अलावा संवेग आदि चार भावनाएं, मैत्री आदि चार भावनाओं का वर्णन है, संवेग का वर्णन है, और पांच पाप दुखदायी है, दुख स्वरूप इस बात का वर्णन है, पांच पापों की परिभाषा है, सात शील व्रतों के नाम है, बारह व्रतों के अतिचार है, संलेखना का वर्णन है, दान का वर्णन। ये चीज चलेगी, समझ में ही बात? कोई सो रहा हो तो बीच में हो जाएगा उसका भी। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला सूत्र, हिंसा नृत स्थे अब्रह्म परिग्रह प्यो वृत्तिर्व्रतम। हिंसा अनृत स्थे अब्रह्म और परिग्रह, इनसे वृत्ति, वृत्ति माने इनसे विरत होना, अलग होना, उसे व्रत कहते हैं। अब इससे विरत होना, इसका मतलब क्या है? जैसे पेड़ से वृक्ष विरत अलग हो गया, तो पेड़ से एक बार वृक्ष अलग हो जाता है, उसके बाद वो पेड़ से वृक्ष नहीं, पेड़ से फल एक बार अलग हो गया, तो जो फल पेड़ से एक बार अलग हो गया, फिर वो उसके बाद कभी भी पेड़ से लगने वाला नहीं। ऐसे एक बार जो पांच पापों से परिणाम विरत हो गया, वो पुनः पाप में प्रवृत्ति करने वाला नहीं। क्या फल गिर गया सो गिर गया, वृक्ष से अलग हुआ सो अलग हो गया, अब कोई भी उसको वृक्ष में पुनः नहीं लगा सकता। ऐसे जो परिणाम पांच पापों से विरत है, मतलब पांच पापों से टूट चुका है, वृत्ति रूप परिणाम, उन पांच पापों में प्रवृत्ति रूप परिणाम नहीं है, पांच पापों का जिसके भाव स्वप्न में भी उत्पन्न नहीं होता, तो जो इन पांच पापों से विरत है उसका नाम व्रत है। पांच पाप नहीं करने का नाम व्रत नहीं है, पांच पाप से वृत्ति का नाम व्रत है। नहीं करना और वृत्ति का क्या अर्थ है? अभी हम यहाँ बैठे हैं कितने पाप कर रहे हैं? एक भी नहीं कर रहे ना, लेकिन वृत्ति कितने से है? एक से भी नहीं, विरत नहीं हुआ अपन, अपने अभी अभिप्राय में पांचों पापों के करने का परिणाम बैठा हुआ है, भले ही नहीं कर रहे हो, प्रवृत्ति रूप पाप नहीं है लेकिन वृत्ति भी नहीं है, तो पाप नहीं करने का नाम व्रत नहीं है, पाप से विरत होने का नाम, माने पाप से पूरी तरह से वैराग्य रूप, माने पाप से ऐसी वृत्ति कि पाप करने का परिणाम उत्पन्न ही नहीं होना, उसका नाम व्रत है। और ऐसे पांच पापों से विरत होने के नाम पांच व्रत है। हिंसा से विरत होने का नाम अहिंसा, दूसरा, दूसरे का नाम दिया चोरी, चोरी का क्या नाम दिया देखो यहाँ पर, चोरी नहीं बोला, अनृत, अनृत चोरी का नाम क्या दिया है? झूठ का नाम अनृत, चोरी का नाम स्ते, कुशील का नाम अब्रह्म, और परिग्रह का नाम परिग्रह। ये पाप के नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या थोड़ा भी संस्कृत पढ़ने में आनंद आएगा? लक्ष्मी ग्रंथ शावकाचार्य कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो हिंसा अनृत स्ते अब्रह्म परिग्रह, परिग्रह भ्यो, इनसे वृत्ति व्रतम, वो क्या है? व्रत है। अब इसे दो प्रकार के व्रतों की परिभाषा दी, एक तो निश्चय व्रत और एक व्यवहार। निश्चय व्रत है राग द्वेष आदि संकल्प विकल्पों से
रहित होना, ये क्या है? निश्चय। समस्त प्रकार के रागादि भाव का परिहार, माने शुभाशुभ राग द्वेष के विकल्पों से विरत हो जाता, किसी से राग किसी से द्वेष, समस्त प्रकार के, चाहे अशुभ रूप हो चाहे शुभ रूप, राग द्वेष का त्याग है वो निश्चय व्रत है। और प्रतिज्ञा पूर्वक पांच पापों के त्याग रूप जो वृत्ति है उसका नाम है व्यवहार व्रत। माने हमने प्रतिज्ञा ली कहे कि पांच पापों के त्याग की, और पांच पापों से हम जो प्रतिज्ञा रूप से विरत हुए, माने अब हमारी पांच पापों में प्रवृत्ति नहीं जाएगी, पांच पापों से हम निवृत्त हो गए, इसका नाम क्या है? व्यवहार व्रत। जिनके निश्चय व्रत होंगे उसी के व्यवहार होंगे, क्योंकि जिसके राग द्वेष का त्याग होगा, तीन कषाय अथवा दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, व्रत वास्तव में उसी के होंगे, अंतरंग से विरक्ति उसी के होगी। जिसके कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है उसके अभी पाप से विरक्ति भी नहीं। अब देखो दो प्रकार के व्रतों का वर्णन करते हैं, देश शर्तो अणु महती, देश को लगाना अणु पे और शर्तों के लगाना महती पे। माने जिनका एक देश त्याग होता है वे अणुव्रति कहलाते हैं, और जिनका सर्वदेश त्याग होता है वे महाव्रति कहलाते हैं। महाव्रत इसको इसलिए कहा है क्योंकि एक तो ये अपने आप में महान है, माने समस्त पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, ये प्रवृत्ति महान होने से महाव्रत कहा जाता है। दूसरा, महान पुरुष ही इसे धारण करते हैं इसलिए भी इसका नाम क्या है? महाव्रत। और अणुव्रत माने अणु जैसे सबसे छोटा होता है, तो पांच पापों का जो सबसे छोटे अंश में त्याग किया है, जितने अंशों में भी त्याग किया है एक देश अंश में, तो क्या कहलाएगा? अणुव्रत। अणु माने बहुत छोटे अंश में, ज्यादा नहीं। एक्चुअल में तो ये पांच पापों का त्याग तो मनुष्यों के मूल गुण में थे। जैनी के मूल गुण है आठ, कौन कौन से देखे कभी आपने? बड़ पीपल पाकर, कौन कौन से फल देखे बताओ? तो बड़ पीपल पाकर उम्र कटुअर में से है, किसी ने खाए तो बहुत दूर की बात होगी, देखे भी नहीं होंगे। ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा यहाँ जिसने बड़ न पीपल न पाकर न उमर न कटुमर के फल देखे भी होंगे, पांचों के पांचों। कितना सस्ता काम है जैनी बनने का, पांच उदम्बर फलों का त्याग अपन देखे ही नहीं हो गया तो क्या रहा? तीन मध्यमास मधु तो वो भी कौन उसका सेवन कर रहा है, इतना सस्ता सीधा सरल क्राइटेरिया हो गया है? हाँ, रत्नगण शाकाचार किसी ने पढ़ा हो तो उसमें अष्ट मूल गुणों के नाम क्या है? मध्य मास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, मध्य मास मधु त्यागे स उनके साथ अणुव्रत पंचकम, पांच अणुव्रत अष्टो मूल गुणान आठ मूल गुण आहु माने कहे हैं गृहिणाम गृहस्थियों के श्रमणोत्तमा, श्रमणों में जो उत्तम थे उन्होंने, हमारे मूल गुण है ये। अपन तो व्रतियों के, अपन तो बिल्कुल अव्रति लोग हैं, अपने तो बस पढ़ लो कोई व्रति होगा उसमें देखेंगे एक नहीं है, ये उसके लिए नहीं है, ये वास्तव में अपने मूल गुण है ये। पांच पापों का एक देश त्याग करना ये तो सामान्य रूप से अपना जीवन है, अभी भी अपना इतना जीवन है, ऐसा नहीं है कि पांच पाप अपन कर रहे हैं। कोई किसी के घर में सेन लगा के तो आता नहीं रात को, कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा स्थूल पांच पापों का फिर भी थोड़े बहुत अंशों में अपने त्याग है। भले आज व्रत रूप प्रवृत्ति ना हो, मैंने व्रत नहीं लिया हो, लेकिन फिर भी आज भी जैनियों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, सामान्य रूप से ऐसे वीआईपी लोग भी है नहीं तो, बाकी उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि सामान्य रूप में जैनियों का जो आचरण है वो पांच पापों के एक दिश त्याग रूप ही होता है, लेकिन वो व्रत रूप नहीं होता, व्रत रूप परिणाम नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने इसको मूल गुण में कहा था कि ये तो अपना जैनी जीवन है, सामान्य जीवन है। अरे जैनी यदि पांच पाप करेगा तो कौन पांच पाप का त्याग करेगा? दूसरी बात कि इन पांच पापों के त्याग में, मैंने जो अणुव्रत के स्तर पे त्याग करने में कोई बहुत बड़ी बाधा भी नहीं, बल्कि इससे हमारा जीवन ही सुखी होता है। हम यदि झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, परिग्रह अत्यधिक नहीं जोड़ते हैं, कुशील सेवन नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, हमारा जीवन आनंद में रहता है। तो ये हमारे जीवन को ही आनंद में करने के लिए, मतलब ये कोई हमारे ऊपर कष्ट रूप नहीं है, अपितु प्राणी मात्र का जीवन सुखी हो, इस हेतु से ये पांच व्रतों का वर्णन। मतलब इसमें कोई बहुत कष्ट समस्या की बात नहीं है,
हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। ये व्रत है ना, ये तो कोई भी पालन कर सकता है। एक तो होता है संयम और एक होता है तप। संयम और तप में तप पालन करना फिर भी कठिन है, लेकिन सब तपस्वी बन रहे हैं, संयम ही कोई नहीं बन रहा है। तपस्वियों का सम्मान होता है, संयमियों का नहीं होता है। संयम ही किसको कहते हैं? संयम माने जीवन पर्यंत के लिए अभक्ष का त्याग करना, कालावधि के लिए भक्ष का त्याग कर देना, वो संयम। संयम कोई संयम जो है खासकर एक या दो दिन का नहीं होता, संयम तो आजीवन होता है। और तप जो है वो एक कालावधि के लिए होता है, अनशन तप जिंदगी भर के लिए करेंगे तो वो संयम भी नहीं रहेगा उसका, तो तप जीवन भर नहीं किया जा सकता क्या? लेकिन संयम जीवन भर किया जा सकता है। छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, पांच इंद्रियों मन को वश में रखना, ये बारह प्रकार का संयम तो अपन जीवन भर पा सकते हैं। मुनिराज संपूर्ण रूप से पा सकते हैं, गृहस्थ एक देश पा सकते हैं। संयम पहले धारण करें, और संयम में भी पहले किसका? संयम में भी पहले अभक्ष का त्याग करें। अभी अभक्ष के त्याग करने में तो किसी का लक्ष्य नहीं है, और भक्ष पहले छोड़ रहे हैं। जिंदगी भर भले हम आलू प्याज खाए, दस दिन पारने के दिन भी भले हम कुछ भी खाए, लेकिन दस दिन हम जरूर उपवास करें, तो ये योग्य नहीं है। हर उपवास करने वाले से पहले उसको सर्टिफिकेट तभी दो तपस्वी का, पहले उससे पूछ लो तू रात को तो नहीं खाता है, जमीकन तो नहीं खाता? यदि तू रात को जमीकन खाता है, अंचना पानी पीता है, तो तेरा कोई नियम व्रत काम का नहीं है, तेरे कोई तप वप नहीं है। तपस्वी वपस्वी के सब सर्टिफिकेट ले आ वापस। हाँ, प्रतिदिन देव रोज देव दर्शन करता है कि नहीं करता है? तीन नियम उसके पहले होने चाहिए, देव दर्शन के, चने पानी के, रात्रि भोजन त्याग के, और एक और लो जमीकन त्याग। वैसे तो बाजार के भोजन के त्याग होना चाहिए, आठ दिन का उपवास करे होटल में दिख जाए, लोग कह रहे ये वही है, भी कौन इन्होंने आठ दिन के उपवास का जुलूस निकलाता है, हम भी गए थे जुलूस, टेढ़ा बहुत अच्छा बांटा था इन्होंने। तो ये स्थिति कितनी बिगड़ गई ना अपनी। तो ये इसलिए अपने ये व्रत थे, ये पहले पहले ये अपने मूल गुणों में शामिल थे। फिर क्या हुआ कि अपन लोगों ने बहुत तरक्की की, तो फिर मूल गुणों में शामिल किया, तो उन्होंने कहा ये मूल गुण रखेंगे जैनियों के, यदि ये पैमाना रखेंगे कि आठ मूल गुण नहीं होंगे तो जैन नहीं, तो यहाँ तो पाप करने लग गए, तो पहले ही तो कम हो रहे हैं, रोज कम होते जाएंगे। तो उन्होंने इस थोड़े से इस नियम में शिथिलता ले किया, थोड़ा इसमें क्राइटेरिया में मैंने इस जैन आठ मूल गुणों के पैमाने में थोड़ी शिथिलता आई। और फिर उन्होंने पांच जो पांच पापों के त्याग, एक देश त्याग की बात थी, पांच पापों के एक देश त्याग में अहिंसा व्रत हो गया मुख्य, और अहिंसा व्रत की जो भावनाएं थी वो भावनाओं ने, एक एक भावना ने समझ लो एक एक व्रत, एक एक जो है मूल गुण का रूप धारण कर लिया। तो एक अहिंसा व्रत का इतना विस्तार हुआ कि उसमें से पांच जो चीजें थी वो पांच मूल गुणों के नाम पे हो गई, और तीन तो कॉमन रहे, मध्य मास मधु के त्याग, और अहिंसा व्रत सत्य व्रत अचौर्य व्रत ब्रह्मचर्य परिग्रह त्याग ये अलग हट गए, इनकी जगह क्या क्या आ गए? तो एक तो आया कि साहब रात्रि भोजन त्याग, दूसरा अनछने जल का त्याग, तीसरा देव दर्शन, चौथा जीव दया, और पांचवा पंच उदंबर फलों का त्याग। मैंने सबसे पहले समंत भद्राचार्य का लिखा हुआ रत्नकरण श्रावकाचार है, उसमें पांच पापों के त्याग को श्रावकों के अष्ट मूल गुणों में गिना है, और उसके बाद जो 400-600 साल बाद जो लिखे गए श्रावकाचार उसमें इतनी शिथिलता तक तो आ गई, यहाँ तक तो आ गए, कहाँ तक? वो पांच जो अणुव्रत थे मूल गुणों में वो रिप्लेस हो गए। कैसे हो गए? रात्रि भोजन त्याग, अनछने जल का त्याग, देव दर्शन, जीव दया पालन और पंचोदंबर फल। फिर और तरक्की करी, 12वीं शताब्दी तक आते आते मैंने 400 साल और बीते, तो पांच उदंबर फल ही ऐसे फैल गए कि उसने चार को भी गायब कर दिया। अब नहीं रहे वो मूल गुण, अब किसी से पूछो आप मूल गुण, पांच उदंबर फलों का त्याग, तीन मकार का त्याग। मैंने कहा पढ़ो थोड़ा श्रावकाचार, ये सबसे अंत के पढ़ रहे हैं अपन, ये जो आठ मूल गुण अपन को याद है ये सबसे आखिरी वाले सबसे शिथिलाचार रूप है। क्या वो जो भी है
वो आलोचना पाठ आचार्य के उससे ही लिखा ना, उन्होंने आधार से लिखा, उन्होंने मन से तो ही लिखा है। जो कि पांच नंबर फल क्या है, वो कोई चीज है क्या? कहीं किसी देखे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आप तो आने की बात कर रहे हो, देखे ही नहीं किसी ने, उनके क्या त्याग कराए, इन अब क्या करें? इतने महापुरुष हो गए लोग कि इनको कहें कि रात्रि भोजन के बिना कोई जैन ही नहीं है, जो रात्रि भोजन नहीं करे वो जैन नहीं, जो रात्रि भोजन करे वो जैन नहीं, देव दर्शन करे वो नहीं करे वो जैन नहीं, क्या जीव अंचना पानी नहीं पिए वो जैन नहीं, अंचना पानी पिए वो जैन नहीं, तो ये स्थिति हो जाएगी कि वो अकेले एक ही बैठे ले जाएंगे बस सुनाने वाले, और वो भी गायब हो जाए तो भरोसा नहीं। तो इधर मैंने कहा वो सबसे नहीं, बाद में लिखा आचार्य नहीं है, लेकिन जो आचार्य थे वो भी उनके जितने ग्रंथ थे वो सब शिथिलाचार्य पोषक है, जिन आचार्य का नाम नहीं बोलूंगा मैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, मतलब जो इतिहास पढ़ते हैं जो लोग साहित्य वगैरह वो जानते हैं कि जिन आचार्य का लिखा हुआ है वो मैंने पिछली शती के सबसे शिथिलाचारी आचार्य थे साहित्य की अपेक्षा से, वो खुद कैसे थे तो वही जाने, लेकिन जो उनका साहित्य लिखा गया उस साहित्य में शिथिलाचार का पोषण है। नाम नहीं बोलूंगा आचार्य, क्योंकि वो आपके ऊपर ढूंढ के रख लेना, फिर भी 800 साल पहले का है वो क्या। तो ये है, अब अपन देख लो अपनी क्या स्थिति है भैया। अब पांच अणुव्रत के नाम तो सबको याद है, पांच पापों का एक देश त्याग, अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, जिसका दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। ये बहुत बड़ा व्रत है ये, स्वदार अपनी दार में संतोष रखना, और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, परिग्रह का परिमाण करना, अणुव्रत में परिग्रह परिमाण है और महाव्रत में परिग्रह त्याग है। अणुव्रत की परिग्रह का परिमाण करता है और मुनिराज परिग्रह का त्याग, उनके परिमाण भी है, तो बाकी चार तो वही अहिंसा सत्य चौर्य और ब्रह्मचर्य। अब देखो आगे चलते हैं, तत् स्थैर्यर्थम भावना पंच पंच, उन व्रतों को स्थिर करने के लिए, उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावना है, भावना है माने निरंतर भाने योग, यदि तू व्रतों को स्थिर रखना चाहता है तो तू निरंतर इन व्रतों की भावना भा, यदि तू इनकी भावना नहीं भाएगा तो व्रत स्थिर नहीं रहेगा। तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उन व्रतों की स्थिरता के लिए पांच पांच भावना व्रति जरूरी है, निरंतर भाने योग्य है, जैसे बाला भावना निरंतर भाने योग्य है, ऐसे व्रति को व्रतों की स्थिरता के लिए ये भावनाएं निरंतर भाने योग्य है। सबसे पहला अहिंसा व्रत की भावना है, वाम मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। देखो हिंसा जो है तीन प्रकार से होती है, मन से, इसलिए अहिंसा व्रत की भावनाएं भी इन तीन प्रकार, मतलब अहिंसा व्रत की भावनाएं भी तीन प्रकार से हिंसा का त्याग करने के ऊपर आधारित है, मन से, वचन से और काय से। तो मन से तो लिया उन्होंने मनोगुप्ति, और वचन की हिंसा को रोकने के लिए वचन गुप्ति, ये हो गई, और काय गुप्ति की लेकर काय गुप्ति को तीन भागों में बांटा, एक तो आदान निक्षेपण समिति, एक क्रिया समिति, एक आदान निक्षेपण समिति और एक आलोकित पान भोजन। ये देखो मन में यदि अपने को हिंसा नहीं करनी है तो इसका क्या उपाय है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी दे आपको जिससे आप मन में पाप नहीं करोगे, तो उसका एक ही उपाय मनोगुप्ति, मन में हिंसा के भाव, माने मन में हिंसा के परिणाम नहीं होना, मन में व्यर्थ के संकल्प विकल्प पाप रूप नहीं होना, मनोगुप्ति। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, व्यर्थ में किसी के नुकसान हो जाए पैसे का, कोई हार जाए कोई जीत जाए, ये सब नहीं करे। मन की माने मन में पाप विचार नहीं करना, मन में किसी दूसरे की हिंसा के भाव नहीं करना, ये मनोगुप्ति, क्योंकि यहाँ तो शुभोपयोग रूप है ना, वो जो गुप्ति है संवर के कारणों में वो तो संवर के कारण है,
और यहाँ जो अहिंसा व्रत के अंदर वर्णन है वो तो सामान्य रूप से इतना ही है कि पांच पापों का मन में विचार नहीं करना, किसी भी जीव को मारने सताने दिल दुखाने का भाव मन में नहीं लाना, ये मनोवृत्ति। और वचन से ऐसे वचन नहीं बोलना, दूसरों के कष्ट देने वाले, दूसरों के लिए कठिन, दूसरों की निंदा करने वाले, कलाकारी, पेशुण्य, गर्हित, सावध, ऐसे वचन नहीं बोलना। मैंने अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुक्ति। वचन मुक्ति तो वास्तव में क्या है, संपूर्ण प्रकार के वचन का निराश होना, मैंने वचन मात्र का निराकरण होकर स्वरूप में लीन हो जाना, बोलना ही। जैसे मन में शुभाशुभ विचार नहीं करना, ऐसे वचन से किसी प्रकार का उच्चारण नहीं करना, न अंतर जल न बाह्य जल, उसका नाम है वचन मुक्ति। वचन का व्यापार बंद हो जाए तो सच्ची अहिंसा व्रत की भावना होगी। मैंने अहिंसा व्रत पालना है तो मौन रहो अधिक से अधिक, क्योंकि वाणी से बहुत हिंसा होती है, धमकी देता है आदमी, जरा सा गुस्सा आता है, और अथवा मन में भी संकल्प विकल्प करता है। तो ये दो गुप्ति जरूरी है, क्योंकि जितनी हिंसा मन से होती है और वचन से होती है उतनी काया से नहीं होती, इसलिए मनोगुप्ति और वचन गुप्त दो तो ये भावना कही। और काय गुप्ति को तीन भागों में बांट दिया, एक तो इरिया समिति, चलो तो देख के चलो, आधार निक्षेपण, कोई चीज उठाओ देख के उठाओ, धरो देख के धरो, भोजन करो तो दिन के सूर्य के प्रकाश में। तो इनमें ये नहीं कहा दिन, इसमें लिखा आलोकित पान, आलोकित का समझते हैं आलोक माने सूर्य, सूर्य के प्रकाश में भोजन और पानी लेना, उसका नाम है आलोकित पान भोजन, सूर्य का प्रकाश। ऐसा रसोई घर ना हो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता, जिस रसोई में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है वो तो रात्रि भोजन के समान है, और जिस स्थान पे आदमी बैठ के भोजन करता है जिस स्थान पे भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो रात्रि भोजन की तुल्य है। क्योंकि कारण यह है कि अपने आलोकित पान भोजन का है, सूर्य के प्रकाश की मुख्यता है, जीवोत्पत्ति नहीं होती है वो तो सूर्य की वजह से नहीं होती, सूर्य का अंधेरा है, लाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तुम्हारे कृत्रिम प्रकाश है, जीवोत्पत्ति होगी। यहाँ जितने जीव नहीं होंगे उतने तलघर में जीवोत्पत्ति होगी, क्यों, सूर्य का प्रकाश। मच्छर कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, ऊपर के नीचे, थोड़ी देर बैठ के देख ले तो नीचे कभी दिए साहब मेरी बात विश्वास क्या, तो सूर्य का प्रकाश हो। शास्त्र में इतना तक लिखा है कि यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो, कोई बहुत अंधेरा हो जाए, अपने हाथ की लकीरें भी नहीं दिखे, तो उस समय पे वही भोजन करना वो रात्रि भोजन के समान है। उजाला होना चाहिए सूरज का बढ़िया, और सांझ पड़ते पड़ते कितनी बजे की रात होती है, बोले साहब 6:45 रात होती है, तो 6:47 पर रात होगी, तो 6:42 पर खाना खाना चालू करेगी, आएगी तब दौड़ा 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 दुकान से आ गया ना, बस अभी रात नहीं हुई, अभी 2 मिनट बच्चे बैठे 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 जल्दी से जल्दी खा। लेकिन उसमें क्या दम है, एक तो उसमें परिणाम इतनी आकुलता में बिगड़ते हैं, दूसरी बात भरेगा तो खाने में भी कितनी आसक्ति और तीव्रता रहेगी, और रात तो हो ही जाएगी ना, 2 मिनट में कोई खा सकता है खाना, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, अरे खाओ तो कम से कम शांति से खाओ, 1 घंटे पहले से आ जाओ, 1-1.5 घंटे का गैप लेके चलो, आराम से घर पे आओ शांति से। वो पत्नी तुमको सुना है, उसकी जगह तुम पत्नी को सुनाओगे, बनाया कभी अभी तक, तो वह तो उल्टा सुनता है, रोज की रोज लेट होता है। और सुनने की बात नहीं है, वास्तव में कम से कम अपना भोजन जो है वो 2 घड़ी पहले फिनिश हो जाना चाहिए, 2 घड़ी माने 48 मिनट पहले, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले हम सबका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। खासकर आदमी लोगों तो मैं कहता हूँ 48 मिनट नहीं, 48 में 24 और जोड़ दो 72 मिनट, कम से कम 1 घंटे 12 मिनट पहले उनका भोजन फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो उनकी पत्नियाँ खाएंगी, क्योंकि उनको तो बच्चा कुछ ही मिलता है ना खाने में, तो उसके आजकल की नहीं कह रहा हूँ पहले की, जो अपन लोग पहले की, तो उनको तो वो मिलेगा, वो तो बाद में ही खाएगी ना, अब वो बाद में खाएगी तो वो खाने को उसको समय मिलना चाहिए, फिर तो उसका बचा हुआ रहेगा वो काम वालियों को मिलेगा, तो वो भी यदि उसको भी दिन में मिल जाएगा तो दिन में खाएगी, उसके बाद बर्तन साफ होंगे, सफाई होएगी, तो वो भी सब दिन में होनी चाहिए, क्योंकि इधर अपन खाने की हिंसा से तो बच लिए और आलम सालम रात में किया तो हिंसा से हो ही गई ना, इसलिए अपने को सब बातों का विचार करना चाहिए। कम से कम भोजन जो है वो अपने को 1 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए।
ये अपने आप में बहुत खराब आदत है। उधर बुंदेलखंड साहिब तो फिर भी अच्छी आदत है, लोग कम से कम इतना ध्यान रखते हैं, एक डेढ़ घंटे पहले भोजन फिनिश कर लेते हैं। अपने यहाँ तो बनिए लोग दुकान में वो कलश को ही रात को करें तो खाना तो जिंदगी से खा जाए क्या भाई। ऐसा है कोई चीज़ अपन टाइम की भी मर्यादा होती ना, रात्रि भोजन का नियम क्या बोल रहा है, केवल केने नमाज का है वो, अपने कम से कम एक घंटे पहले हो जाना चाहिए। और महिलाओं का भी आधे घंटे कम से कम पहले, 48 मिनट का है ऐसा तो शास्त्र में, नहीं तो इसमें लाठी संहिता में तो इतना तक लिखा है कि जो भोजन करके फिर उसमें दांत वात में छिपे कण हैं उसको भी साफ सुथ करके मतलब पूरा खुल्ला कर लेना चाहिए उसको, नहीं तो उसको रात को अन्न खाने का दोष लगता है। और मतलब यदि वो थोड़ा भी कुछ खाता है तो अन्न वन्न भी यदि कुछ भी खाता है तो मांस खाने के समान है रात के खाना। और जिन लोगों को पानी पीना उनके तो बहुत ही दिक्कत है, खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाना खाने में और पानी पीने में आधे घंटे का गैप रहना चाहिए। तो कब रहेगा गैप, जब वो जल्दी खाएंगे तो गैप रहेगा, और नहीं रहेगा तो हो गया। तो ये इसलिए अपने को आलोकित पाल है। अपन पढ़ते हैं सब शास्त्रों में, तो सियाल ने नियम लिया तो उसने तो ईमानदारी से जो है बावड़ी में देखा कि अंधेरा है पानी नहीं पिया, तो अपन तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपन लोग कभी कितना अभी तो टाइम है खा लो। वो सियाल था ना, ये बड़े बड़े शेर है सब है। तो ये है, ये कम से कम तीन बातें देखो। एक तो सबसे पहली चीज कि अपने भोजन करने के स्थान में और भोजन बनाने के स्थान में सूर्य का भरपूर प्रकाश होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यदि बहुत अंधेरा हो जाए, इतना अंधेरा कि हमें सूर्य की किरणें अपने हाथ की रेखाएं नहीं दिखाई दे, तो वो समय भी भोजन के अनुकूल नहीं। तीसरी बात, प्रतिदिन कम से कम 2 घड़ी पहले अपना भोजन समाप्त हो जाना चाहिए, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले समाप्त कर दे और सूर्योदय के 2 घड़ी बाद भोजन करें। किचन का ताला लग जाना चाहिए, सूर्यास्त तक तो ताला लग जाए किचन का, सूर्योदय हो जाए उसके 2 घड़ी बाद से चालू करें। उत्कृष्ट तो यही है, लेकिन नहीं कर पाए तो उधर इतनी दिक्कत नहीं है। क्यों उधर इसलिए दिक्कत इतनी नहीं है कि सूर्योदय के थोड़ी देर बाद भी किया तो बाद में तो दिन का उजाला बढ़ते ही जाएगा, तो काम बढ़ भी गया तो बाद में हो सकता है, इधर दिक्कत है, इधर लेट होगा तो उधर सब रात को काम। चलो आगे चलते हैं। सत्यव्रत की भावना है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान रुचि भाषणम पंच, सॉरी क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुचि भाषणम च पंच। क्रोध त्याग, देखो ये 4 में तो लगाना प्रत्याख्यान, 4 का त्याग करना, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, सॉरी एक छूट गया, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, और प्रत्याख्यानानी 5 है ना 4 के साथ जुड़ा हुआ है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानी और अनुविची भाषणम, एक क्या रहा अनुविची भाषण। 4 तो नास्ति से और एक है अस्ति से, 4 में त्याग की बात है, 4 में निषेध की बात है, 4 में ये बात है कि क्या नहीं करना और 1 में ये बात है कि क्या करना, प्रवृत्ति है, विधि की बात है। सत्यव्रत के लिए 4 चीजों का त्याग करना जरूरी है, किन किन 4 चीजों का, क्रोध का, लोभ का, हास्य का, भय का। यदि इन 4 में से 1 भी है तो सत्य का त्याग नहीं बने, असत्य का त्याग नहीं बने, क्योंकि आदमी इन 4 की वजह से झूठ बोलता है। बोलता है कि बोलता है, क्रोध के आवेश में व्यक्ति के वचन सत्य नहीं निकलते, अपन ये जानते भी है क्या कि अभी इनका दिमाग बहुत गर्म है, अभी ये शांत हो जाएंगे फिर सच्ची सच्ची बोलेंगे। आदमी आता है ना जब समझ लो उसको भोजन नहीं मिला टाइम पे, भूख से आया, पानी नहीं मिला, चाय पीने की आदत, चाय नहीं पी, तो आदमी बिल्कुल गर्म होते हुए आता है एकदम करके। और यदि पत्नी और 2-4 सुना दे, 1 घंटे से बैठे हैं तुम्हारे लिए, या ये क्या यहाँ पे, तो और उसको गुस्सा आ जाता है, बोले मेरे घर से निकल जाओ। तो सब लोग जानते हैं कि ये अभी कुछ दम नहीं है इसमें घर से निकल जाने में, क्यों, क्योंकि इनके कोई वचन सत्य नहीं है, तो रोज ही बोलते रहते हैं ऐसे, इनकी तो आदत है। कोई जो दूसरा आदमी होता है वो देखता रहता, अरे इन्होंने कहा घर से निकल जाओ, तो वो पत्नी भी जानती, लोग कहती हाँ निकल रही हो अभी थोड़ी देर रुको, आधे घंटे बाद निकल जाऊंगा, फिर वो आधे घंटे चाय वाय पिलाती है
चाय वाय पिलाया, खाना वाना खिलाया, फिर वो ठंडा जाता। हाँ वो मैं क्या कह रहा था, वो देखो मेरे को गुस्सा बहुत आ जाता है, तो वो तो हमको मालूम ही है तुमको गुस्सा आता है रोज। क्या तीसरा वाले कि क्यों तुम तो आधे घंटे बाद निकलने वाली थी ना, अरे ऐसे के निकलती होती तो कब से निकल जाती है, क्या जिंदगी हो गई पूरी की पूरी। क्या तो वो जानती क्रोध के कोई इनके वचन सत्य नहीं, क्रोध सब निकल जाए और फिर यदि ये बिल्कुल गंभीरता से बोल रहे हो तो उसके वचनों में कुछ दम होता है, और गुस्से के वचन है कुछ भी बकते रहिए, अभी इनमें कोई दम नहीं। समझ में ना, इसलिए क्रोधी के वचन सत्य नहीं माने जाते। क्रोधी सत्य भी बोल रहा हो तो भी सत्य नहीं, और धैर्यता से बिल्कुल गंभीरता से भी बोल दे इस घर में तुम्हारी क्या उपयोगिता है, क्या बहुत फर्क है किस मूड में कौन आदमी क्या बोल रहा है। क्या और दूसरा है लोभ, लोभ से तो आदमी झूठी बोल, मतलब बनिए का तो झूठ आता था लोभ से ही, लालच से झूठ बोलता है हर चीज के अंदर। क्या भाव खरीदा तुमने साहब, भाव के भाव ही दे रहा हूँ, कोई भाव के भाव दे रहा, लेकिन हर दुकानदार ये कह के बेचता है भाव के भाव भाव, बल्कि मैं आपसे तो मैं घाटा ही, बहन जी आपसे मेरे को इतना इसने, मैं आपसे तो घाटे में ही बेच देता हूँ, वाह। और सारी बहनों से उसको इसने जो भी मारा, आप तो अपने वाले। तीसरा है भिरुत्व, भिरुत्व माने भय, भय से भी सत्य नहीं बोल सकता, निर्भीक होना चाहिए। किसी बात का भय हो, आजीविका छिन जाने का भय, मृत्यु का भय, स्वयं की मृत्यु का भय, बाल बच्चों की मृत्यु का भय, किसी बात का भय हो तो भय के वशीभूत होकर झूठ बोल सकता है। अपन देखते पिक्चरों में लोगों दवाई दिलवाते झूठी, तुम्हारे बच्चे का किडनैप कर लिया, अभी बोलना पड़ेगा। और हास्य, हंसी हंसी मजाक हो तो वो कहते हैं उसमें भी सत्य का बोलना संभव नहीं। और ये तो चार का त्याग बताया, क्रोध त्याग, लोभ त्याग, विरुद्ध त्याग और हास्य त्याग। इन चार का त्याग करें और क्या करें, एक करें, क्या करें, अनुविची भाषण। अनुविची भाषण माने अनुसार बोले, किसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र के अनुसार कौन बोलेगा, जो शास्त्र को पढ़ेगा वो शास्त्र के अनुसार बोलेगा, जिसको शास्त्र का कुछ खबर नहीं वो क्या बोलेगा सत्य, कि मेरे साथ सत्य व्रत ले रखा है। लेकिन सत्य को जानते हो तुम, सत्य का क्या स्वरूप है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यदि हमें आगम का ज्ञान नहीं है तो हम सत्य के नाम पे असत्य बोल रहे हो सकते हैं। इसलिए आगम की पूरी विधि हो, बुद्धि का ज्ञान हो, आगम की परिपाटी का ज्ञान हो, तभी वो व्यक्ति सत्य बोलने में समर्थ हो सकता है। जैसे आगम का ज्ञान नहीं है और अपनी मर्जी से सोचता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से तो हर आदमी सोचता है मैं सत्य बोल रहा हूँ, या मर्जी नहीं चलती, या तो क्या चलती है, आगम की चलती। इसलिए शर्त रखी उन्होंने एक, कि आगम को जाने और फिर आगम के अनुसार वचन बोले तो वो सत्यव्रत कहलाए। तीसरी देखो, चोरी की चोरी अचोरी व्रत की पांच भावना, शून्यागार, विमोचित आवास, परोक्रोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सदर्मा विसंवाद, पंच। शून्यागार, शून्यागार माने निर्जन स्थान में निवास कर, ये मुनिराज की मुख्यता से है, ये परिग्रह महा अचौर्य महाव्रत की मुख्यता से, इसमें अनुव्रत की मुख्यता नहीं, क्योंकि अपन लोग यदि निर्जन स्थान में रहने लग जाएंगे तो अपन तो और अपने तो घर की चोरी हो जाएगी, अपने लिए नहीं ये बात, ध्यान रखें, ये मुनिराज के लिए निर्जन स्थान में रहे। क्यों, जन से घिरे हुए स्थान में रहेंगे, कोई भी वस्तु किसी की कहीं चली गई तो व्यर्थ में उनके ऊपर आरोप आएगा। शास्त्र में ऐसी कहानी मिलती, एक व्यक्ति, एक मुनिराज ध्यानस्थ थे और सेठ के बच्चे ने उन्हीं के सामने कहीं सी जगह पे जमीन खोद के और सारा सेठ जी का धन गाड़ दिया, छुपा दिया सर। मुनिराज वहीं बैठे थे, अब वो करे गए, इतने दिन से बाहर देख रहा था, लेकिन देखा कि आज पिताजी नहीं है और महाराज बैठे हैं सामने, तो कोई बात नहीं महाराज, क्या तुमने गाड़ा हो, छुपा दिया। अब क्या हुआ, वो चले गए, उसके बाद में पिताजी का जब धन चला गया तो पिताजी को उन पर शंका हो गई, तो उन्होंने आठ कहानी सुनाई महाराज को। महाराज, एक ऐसा वृक्ष था जिस वृक्ष पे एक आदमी गया, उन्हें एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसको उस वृक्ष ने छाया दी, लेकिन वो उसने उसी वृक्ष के फल तोड़ के उसी वृक्ष को काट के खा गया, अरे ऐसा करना चाहिए क्या आदमी। तो महाराज समझ गए क्या चक्कर, तो उन्होंने दूसरी कहानी सुनाई कि बिना विचारे जो कोई लोग काम करते हैं तो पीछे पछताते, पहले समझना चाहिए आदमी। ऐसे आठ कहानियाँ बहुत बढ़िया, प्रथमा नहीं होगा, आप पढ़ना थोड़ा,
तो उसमें उसमें आठ कहानियां वो कहता है कौन सेठ, और मुनिराज भी आठ कहानियों के द्वारा उसका उत्तर देते हैं। उन दोनों की चर्चा चलती रहती है, इतने में क्या होता है कि सेठ का पुत्र आ जाता है, वो सुनता है कहानियां तो उसको अपने ऊपर ग्लानी होती है, बोलो मेरा पिता, मैं तो गया बीता था तो थी, मेरा पिताजी तो मेरे से ही महान है। तो उसको इतनी ग्लानी होती है, वो सारा खजाना जो सारा पैसा था निकाल के और वहीं रखता है, वो कहता है कि पिताजी मैंने आपको भी देख लिया, धन को भी देख लिया, दोनों को देख लिया, इसका क्या स्थिति है। बोला आप इन पर ही शंका करने लग गए, तो इसलिए वो शून्य, ये तो स्थिति ऐसी एक एक, एक मुनिराज का आहार हुआ तो वहाँ एक मणि लेके आया था सुधारने वाला जोरी, और वो मणि जो है मोर ने घटक ली, मोर आया और मोर ने मणि घटक ली। अब कौन ले गया मणि, मणि मिले नहीं, कौन ले गया, आहार करने आए थे। फिर वो तो उसने डंडा मारा, डंडा मारा तो मोर को ही लगा, और मोर के गले से कंठ से वो मणि निकली, तब पता चला कि तो मोर घटक गया। इसलिए निर्जन स्थान पर रहना, व्यक्ति से घिरे हुए स्थान में तो किसी को भी रहने, अब आजकल तो वैसे ही जमीनों की हुई, बहुत लोगों को एक एक इंच जमीन चाहिए, तो वो कहते हैं कि हम क्यों किसी के स्थान ले, शून्य स्थान जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ हम जाना चाहते, जहाँ दुनिया बसना चाहती बस हो। तो मुनिराज के लिए देखो इसमें परिग्रह त्याग में आता है कि क्या चीज़ रखते और क्या नहीं रखते, तो कहते हैं जिसकी असंयमी जन प्रार्थना नहीं करते ऐसी वस्तु मुनिराज रखते, क्या चीज़ रखते हैं जिसकी असंयमी लोग प्रार्थना नहीं करते, पीछे का मंडल दे किसी असंयमी को वो नहीं चाहेगा तो वो रख सकते हैं, बाकी जिनकी असंयमी प्रार्थना करता हो वो नहीं रख सकते, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा। किसको कहते हैं कि यदि उसकी इच्छा माने जो चीज़ असंयमी के द्वारा प्रार्थनी है यदि वो वस्तु वे स्वयं रखेंगे तो वो असंयमी उनके पीछे लगे बिना नहीं रहेगा। जिसकी कोई चाहना नहीं करता, हमने कमंडल रख दी पीछे रख दी, हमें मालूम है दुनिया में किसी को इसकी चाह नहीं है, तो हम निराकुलता से ध्यान कर सकते हैं। पहले हमने ऐसी कोई भी चीज़ रखी जिसकी किसी को भी चाह है तो वो ध्यान शांति से नहीं बन सकता। समझ लो एक चटाई भी रखी, चटाई पे बैठ गए, लेकिन वो गांव के अंदर चटाई भी चुरा ले जाते हैं, एक चटाई भी नहीं रहती, चटाई हो कोई छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, एक पीछे का मंडल अकेली चीज़ है ऐसी जिसको कोई नहीं चुराता, क्योंकि वो लकड़ी की पीछी है, ये लकड़ी की कमंडल है और वो मोए ऊपर पीछी, उसमें कुछ भी नहीं है, उसको क्या कौन ले जाए, उसको कोई बेचेगा भी तो भी उसमें कोई मिलने वाला नहीं। वो कमंडल भी काय का है, वो लकड़ी का, धातु का नहीं, धातु का होता तो चक्कर पड़ता, यदि लोहे का भी होता और लोहे का होता तो फिर तो बात ही क्या थी, अभी तो लोहे का, फिर कोई कहता है कि महाराज चांदी का देता हूँ मैं आपको, कोई सोने का ला के लाता और कोई रत्नी जड़ा के ले आता उसके, वो सब चीज़ें नहीं है, चक्कर एक ही केवल लकड़ी का कमंडल और कोहल पीछे, और बिल्कुल निराकुलता उसमें, जहाँ जाना है दो हाथ है, दो हाथ में दो चीज ली चलते बने, तीसरी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, तीसरी वस्तु होगी तो कहाँ रखेंगे, यूँ यूँ कहाँ रखेंगे, बहुत व्यवस्थित है। मतलब जिनागम के अंदर एक एक चीज, आप यदि उसको गंभीरता से देखो तो कोई उन्होंने इतनी सी भी छूट नहीं रखी क्या, तो शून्य स्थान अचौर्य व्रत की रक्षा करना हो तो निर्जन स्थान पर निवास करें, विमोचित आवास, दूसरों के द्वारा त्यागे गए स्थान में निवास करना, मतलब क्या है देखो किसी ने चीज छोड़ी नहीं और अपन उस पर निवास करेंगे तो उसकी वस्तु को लेने का दोष लगेगा, कोई जगह अपनी है अपन जबरदस्ती भी चले गए लेकिन वो जगह अपन ने कोई उसकी हड़प नहीं ली, लेकिन रहे ना और रहे तो उसकी वस्तु को लेने का मतलब उसकी वस्तु को लेने का दोष तो लगा ही ना, कुछ समय के लिए लगा, किराएदार आदमी कुछ काल के लिए रहा, हड़प के लिए ले गया, लेकिन बिना किराए के गया तो अपना हृदय दुखा नहीं दुखे। तो ऐसे ही वो दूसरे के स्थान पे यदि दूसरों के द्वारा जिसने त्याग नहीं किया है ऐसे स्थान में निवास करेंगे तो वो उसके चोरी का दोष लगेगा, उसकी पर वस्तु को चुराया है। वैसे निर्जन स्थान नहीं होगा, किसी के द्वारा रहने वाला स्थान होगा तो वो भी जो रहने वाला होगा उसकी वस्तु की चोरी का दोष लगेगा। ऐसे दूसरों को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना, परोपरोधाकरण, पर उपरोधकरण
माने दूसरों का उपरोध नहीं करे, दूसरों को आने से नहीं रोके। मुनिराज कोई भी होंगे तो मुनिराज का कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें इधर भी कुंडी लगी हो इधर भी कुंडी लगी, क्योंकि इसमें रोकने की काम आओ जाओ अब हमारा है ही क्या, वो कोई कमरा हमारा तो है ही नहीं, हमने तो सारे कमरे छोड़ दिए। क्या सामाई आदि का काल हो एक अलग बात है, बाकी उसके अलावा मिराज को कमरे बंद करने का क्या काम, क्या खुली किताब है वो तो एकदम। और दूसरी बात, उस स्थान पे आने से रोकेंगे तो उतनी काल के लिए उस परिग्रह का दोष लगेगा और कमरे का परिग्रह हो गया उतनी देर के लिए, इसलिए नहीं आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान में बाधा मत करो। तो दरवाजा खुला है फिर भी कोई आ जाए चले जाओ, है ना, हमारे ज्ञान ध्यान में हमारी सामाई में बिघनी पड़े, बाकी उसके अलावा क्या चक्कर है। यहाँ तो कोई सब समान है, तिर्यंच एक नेवला हो, सांप हो, शेर हो, क्या हिरण हो, कोई भील हो, चाहे चक्रवर्ती हो, सब समान है। हमारे लिए कोई VIP नहीं कि एक के लिए हम ताला बंद करें और एक के लिए खोले, कुछ नहीं, सब आम है बिल्कुल, ये तो खुली किताब वाला हिस्सा। और इसीलिए तो मुनिराज के उन जीवन से प्रभावित होकर अनेकों भील व्रत धारण कर लेते थे, अणुव्रत, कई लोग जिन दीक्षा धारण कर लेते थे, अच्छे अच्छे पापी से पापी तिर जाते थे। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के लिए समानता की बुद्धि थी, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था, सबको ऐसा लगता था कि ये हमारे हैं, तो वो हर जीव को अपनी भाषा में अपनी उसमें समझने का सुनने का अवसर नहीं था। तो इसलिए किसी दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना, ये क्यों रखी इसमें अचौर्य में, कि किसी भिक्षा की शुद्धि इसलिए कि किसी का चित्त पीड़ित नहीं हो। यदि हमने किसी को चित्त पीड़ित करके यदि आहार लिया है तो उसके वस्तु के ग्रहण करने का दोष लगेगा, पर वस्तु को ग्रहण करने माने चोरी का दोष लगेगा। इसलिए मुनिराज की जो भिक्षा वृत्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की, उसमें एक ही देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे भौरा होता है, भौरा फूल पे बैठता नहीं कभी, भौरा पुष्प की पराग लेता है लेकिन पुष्प पे बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता पुष्प पे, अपना वजन पुष्प पे देना नहीं चाहता, बिना पुष्प पे बैठे और पुष्प की पराग ग्रहण करके और चला जाता है। ऐसे मुनिराज बिना किसी दातार के प्राणों को पीड़ित किए, बिना इतना सा भी बाधा पहुँचाए, बिना अपने योग्य आहार ले लेते हैं और चले जाते हैं। इसलिए कहा उन्होंने भिक्षा की शुद्धि, नहीं तो किसी की जबरदस्ती पीड़ा, मैंने उसके चित्त को पीड़ा पूछे, समझ लो किसी का धन नहीं हो और उसको पीड़ा हो, फिर बस तो है ही नहीं, लेकिन अब क्या करो, अब लगाना है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं उसके धन की चोरी हुई है और इसलिए उसका भोजन भी जो होता है वो एकदम उनका एकदम सरल, तो उसमें कोई पीड़ा नहीं पहुँचती। यदि अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी तो पीड़ा पहुँचे बिना रहेगी। सधर्मा विसंवाद, साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना। विसंवाद माने इसमें मुनिराज के साथ है मुख्यतया, कि ये नहीं कहे कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये पीछे मेरी है या ये कमंडल मेरा है, क्योंकि इसमें भी मेरा तेरा कहने में चोरी का दोष लगता है। ये तेरी है वो अपने पास आ गई कभी वो वस्तु, तो दोष लगा ना उसका, तो मेरी तेरी रूप विसंवाद नहीं करना। अब इसके बाद में पांच ब्रह्मचर्य व्यक्ति, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्ण रतानुस्मरण विशेष रस सही संस्कार त्यागा पंच, जैसे पांच इंद्रिय विषय के त्याग पूर्वक पांच भावनाएं। सबसे पहले देखो स्त्री राग कथा को सुनने का त्याग करना, जो बात स्त्रियों में, जो कथा स्त्रियों में राग उत्पन्न कराने वाली हो उसके सुनने का त्याग करना। समझे, सुनने का मतलब, सुनने का मतलब केवल ऐसा ही नहीं है कि कोई सुना रहा हो, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा के पढ़ने का भी त्याग करना। क्या, जो भी कथा जिससे स्त्रियों में राग उत्पन्न हो, न उसको पढ़े, न उसको सुने और न उसको कहे। तीन अपन ने बंदर बताए थे ना कल गांधी जी के, बुरा नहीं देखे, बुरा नहीं सुने, बुरा नहीं कहे। तो राग द्वेष करतार कथा कब उन्हें सुनी जे, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा न तो सुने, न स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा पढ़े, न स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा कहे। ये सबसे पहली कर्ण इंद्रिय के त्याग। दूसरा तन मनोरंग निरीक्षण, उनके मनोरंगों के निरीक्षण करने का त्याग करना। इसलिए मुनिराज कभी भी होते हैं किसी भी कमरे में एकांत स्त्री के साथ नहीं रह सकते। क्या, वो कम से कम कोई होगी तो कोई पुरुष होना उसके लिए आवश्यक है, उसकी मर्यादा के लिए।
तीसरा पूर्व में भोगे गए भोग, यदि गृहस्थ अवस्था में थे पहले और पहले कोई भोग भोगे हो तो उन भोगे हुए विषयों का स्मरण नहीं करें, ये मन संबंधी त्याग है। और अगला गरिष्ठ रसों के सेवन का त्याग करना, माने गरिष्ठ रस नहीं भोजन करना। गरिष्ठ रस माने जिसके भोजन करने से इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो, प्रमाद उत्पन्न हो, आलस आए, ज्ञानाभ्यास में शिथिलता हो, तो ऐसे गरिष्ठ रसों का भोजन नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत की उससे हानि होती है। इसलिए एकदम सिंपल खाए, गरिष्ठ रस नहीं खाए, जैसे अपनी होते दाल बाटी चूरमा, बढ़िया। अंतिम में शरीर का संस्कार, शरीर के संस्कार से रहित हो, किसी प्रकार से अपने शरीर का संस्कार ही करें। ये कौन कौन सी इंद्रियों के त्याग के लिए? स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय, क्योंकि शरीर के संस्कार में स्पर्शन इंद्रिय का भी पोषण है और शरीर के संस्कार में घ्राण इंद्रिय, अपने शरीर का पोषण नहीं करना। खासकर अपने को अभी अपन जब संयम के दिनों में रहते हैं, 10 दिन व्रतों के दिनों में, तो कम से कम उन दिनों तो अपने को शरीर के संस्कार का त्याग होना ही चाहिए। कम से कम नए कपड़ों का त्याग होए, नई साड़ी का, नए आभूषण का। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि सारी की सारी साड़ियाँ उसी दिन दिखती, क्या दर्शन करने जाओ अपन। मैंने इतना ब्रह्म और कुशील का सेवन है एकदम, जैसे कोई यहाँ पे कोई फैशन कॉम्पिटिशन चल रही हो यार, कि कौन सबसे बढ़िया साड़ी पहन के आ रहा है। मैंने इतनी सादगी कहाँ चली गई वो अपनी, क्या जो अपने को जितनी सादगी और सरलता से अपन दर्शन करने जाना है, वो कौन सा अपने को कोई वहाँ कोई फैशन कॉम्पिटिशन चल रही है जो दिखाना है ऐसा कि देखो मेरे पास में क्या क्या साड़ियाँ हैं। लेकिन चलता है अपन बात करते हैं 10 धर्मों की और काम देखो अब धर्म की जगह अधर्म हो रहा है। तो शरीर का संस्कार, लोग बोले साहब आज तो दर्शन है भगवान के, दर्शन है प्रदर्शन नहीं है। धूप दशमी में अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि अपने कपड़ों का प्रदर्शन करने। तो ये 5 इंद्रिय के त्याग और मन के विषय के त्याग की बात है इसमें। अब आगे देखो, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जन आदि पंच। अब इसको कितना सरल कहा, देखो 5 इंद्रिय के मनोज्ञ विषय और अमनोज्ञ विषय, मान स्पर्शन इंद्रिय का मनोज्ञ विषय और स्पर्शन इंद्रिय का अमनोज्ञ विषय। तो स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग का त्याग, अमनोज्ञ में द्वेष का त्याग, ये एक भावना हो गई। ऐसे चारों में लगा देना। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के मनोज्ञ विषय का त्याग, मनोज्ञ विषय में राग का त्याग, अमनोज्ञ विषय में द्वेष का त्याग। ऐसे घ्राण इंद्रिय को जो सुहाना नहीं लगता, मैंने सुगंध में राग का त्याग, दुर्गंध में द्वेष का त्याग, चक्षु इंद्रिय में भी ऐसी लगा लेना, 5 इंद्रियों के अंदर लगेगा। ये हो गई आपकी 5 व्रतों की 5 भावनाएं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब 2 भावनाएं और है कि ये 5 पाप का क्या स्वरूप है। कहते हैं हिंसा दिशु या अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम, इन हिंसा आदि 5 पापों में, ई माने इस लोक में और अमूत्र माने परलोक में, अपाय अपाय और अवध्य, इन दोनों का दर्शन करना चाहिए, इन दोनों को देखना चाहिए, ये दोनों देखना चाहिए। किन में? इन 5 पापों से इस लोक में परलोक में अपने को अपाय माने मोक्ष मार्ग के उपाय से हम दूर होना। उपाय कहते हैं किसी चीज का प्राप्ति का उपाय, और अपाय माने उपाय से विपरीत। तो ये मोक्ष मार्ग के विपरीत है, इस लोक में भी विपरीत है, परलोक में भी विपरीत है। दूसरा अवध्य, बुरे हैं, निंदनीय है, 5 पाप निंदनीय है, बुरे हैं, इस लोक में भी परलोक में। इसकी कहानियां भी आती है 5 पापों की, एक 2 मिनट बताता हूँ मैं। उस दिन नागश्री ने व्रत लिए, ब्राह्मण के घर में पैदा हुई और मुनिराज ने उसको 5 व्रत दिए अनुव्रत। घर आई, पिताजी से उसने कहा मैं तो व्रत लेके आई, किसने व्रत दिए? कि वो नग्न मुनिराज ने दिए, तो अपन तो ही मानते उनको कि व्रत तो अच्छे दिए उन्होंने, 5 पापों के त्याग करने की बात की, इसमें क्या गलत कहा? कि नहीं अपन लेना भी होगा तो अपन अपने से लेंगे, उनसे नहीं लेंगे, तो क्या करें अब तो ले लिए। कि वो महाराज ने एक बात कही थी कि यदि कभी वापस लौटाना हो तो मेरे पास ही आके लौटाना, तो गए लौटाने दोनों। तो बीच में एक को देखा, एक को फांसी मिल रही थी, क्यों फांसी मिल रही है? साहब इन्होंने किसी की हिंसा करी इसलिए फांसी, किसी की जीवान कट रही थी, क्यों जीवान कट रही? झूठ बोला, किसी के हाथ काट रहे चोरी के कारण, किसी के लिंग छेदन हो रहा है क्या परिस्थिति से, किसी का धन वन सब छीन रहे, क्यों छीन रहे? परिग्रह का अत्यधिक सेवन किया।
तो उन्होंने कहा पिताजी से, पिताजी क्या चाहते क्या हो तुम, क्या चाहते हो मेरा भी जीवन कटे, हाथ कटे, यही तो मैंने नियम लिए, इसमें क्या दिक्कत है। बोलो कोई बात नहीं, अपन चलो सही महाराज को, महाराज को बोल के तो आऊंगा, तुमने तो मेरे से बिना पूछे मेरी बच्ची को व्रत कैसे दे दी। तो महाराज से कहा आपने मेरे से बिना पूछे व्रत कैसे दे दिए, कि किसको, मेरी बच्ची को, तो तुम्हारी बच्ची कहाँ है, वो तो मेरा भांजा है, साफ झूठ। बोलो मेरी बच्ची है, मेरा आपका भांजा कैसे हो गया, वो तो लड़की है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लड़की नहीं मेरा भांजा है। बातचीत खूब बढ़ गई, राजा आ गया। तो फिर उन्होंने उसके माथे पे ऊपर हाथ रखा और कहा कि बोल सूर्य मित्र, बता इन सबको जो भी तेरे प्रश्न पूछते इन सबका जवाब दे। उन्होंने जो प्रश्न पूछे किसी ने सबका जवाब। तो राजा ने कहा कि महाराज आपने नाम तो सूर्य मित्र लहा और ये तो नाक्षी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नाक्षी का जीव है ये पूर्व भाव में मेरा भांजा था, इसलिए मैंने इसको व्रत दिए है और इसको सब याद है, जो जो भी उसको शिक्षा थी वो सब याद। तो उसमें एक इतनी बात तो ये बताने की थी कि ये पांच पाप अपने को इस लोक में ही दुखदाई, यही लोक में देखो यही का यही फल दिखता हुआ, फल मिलता हुआ दिखता, इस लोक में भी बुरा है परलोक में बुरा है। अगला देखो दुख मेव वा, और ये कैसे हैं पांचों पाप, दुख रूपी है। दुखम एव वा, वा माने अथवा, दुखम एव पांचों पाप दुख रूप ही है, दुख भी है ऐसा नहीं कहा, परिग्रह चिंता दुख भी जानो, परिग्रह चिंता दुख ही जानो, ये दुखी है। देखो बोला अगला, ये हो गए दो पांच पापों के भावनाएं, पांच पापों के बुरे की। अब आगे चार, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनियेशु। देखो च के, च जो है ना, च के पहले वाला और च के बाद वाला, च के पहले वाले को क्रम से च के बाद पे लगाना। मैत्री सत्व प्रमोद गुणाधिक कारुण्य क्लिश्यमान और माध्यस अविनियेशु, हो गया। माने मैत्री भावना किस पे करना, सत्व, सत्व माने प्राणी मात्र के प्रति कैसी भावना हो, मित्रता की। चारों गति के सर्व जीव कहलाते हैं सत्व, तो चारों गति के सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा। मैत्री भाव का मतलब किसी को दुख ना हो। सामान्य में तो भावना एक ही है, देखो कि किसी प्राणी मात्र को भी दुख ना हो, ऐसी भावना करना, यह है मैत्री भाव। अब ये एक को समझाने के लिए इसके तीन भेद कर दिए। तीन कैसे भेद, कि तीन प्रकार के लोग हैं, या तो अपने से नीचे हैं, अपने से दुखी हैं, अपने समान हैं, अथवा अपने से गुणों में अधिक हैं। तीन प्रकार के लोग हैं, या यूं कहें अपने से विरुद्ध हैं, ऐसे लोग हैं, अपने से नीच माने अपने से ही बुरे हैं बिल्कुल, अपने विरुद्ध, और एक अपने से विरुद्ध तो नहीं है, अपने समान है, हम भी दुखी है सब तरह, और भी कोई दुखी है, और अपने से गुणों में अधिक। तो इन तीन के लिए तीन अलग अलग भावना की। प्रमोद, प्रमोद माने प्रसन्नता के साथ में अनुराग परिणाम, भक्ति का परिणाम। तो प्रमोद किसके ऊपर होना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, माने अपने से जो गुणों में अधिक हो उनके प्रति प्रमोद भाव, देखते ही आनंद का भाव होना। तीसरी कारुण्य भाव, दया का परिणाम, किनके प्रति, क्लिश्यमान माने जो दुखी है रोग आदि से ग्रसित, अथवा पाप के उदय से दुखी जो जीव है उनके प्रति करुणा बुद्धि होना। और चौथा है माध्यस्थ, जो अविनयी है, अविनयी माने जिनवाणी सुनने का गुण नहीं होने वाले, हटा गई, हटा गई, हमें तो सुनना नहीं है, हम तो जो समझते हैं हमारी समझ के हिसाब से हमने सब समझ रखा है, हटा गई, अविनयेषु विनीत भाव नहीं है, तो उनके प्रति कैसी बुद्धि रखना, माध्यस्थ, राग द्वेष नहीं करना। अपने पास में किसी की ठेकेदारी कोई नहीं दुनिया की ठीक करने की, अपन अपने को ठीक कर ले बहुत, तो उनके प्रति माध्यस्थ, ना उनके प्रति द्वेष बुद्धि रखे, राग दूर की बात। ये चार प्रकार की भावना। अब आगे देखो, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत माने संसार, संसार और काय, काय माने शरीर, तो
तो संसार और शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए, काय के लिए? संवेग और वैराग्य के लिए। संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत माने संसार और काय माने शरीर के स्वभाव का निरंतर विचार करना चाहिए। संवेग किसे कहते हैं? संवेग के दो अर्थ दिए, संसार से भय, वो भी संवेग कहलाता है, और धर्म, और धर्म के फल में प्रेम, उसमें रुचि, उसमें उत्साह, वो क्या कहलाता है? संवेग। देखो कितनी विचित्रता है कि एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है या कलेक्ट्री की, डॉक्टरी की, उसके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता होती है, उदासी नहीं होती उसको, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल उत्साह रहता है उसके, कहीं पढ़ने जाता है नींद नहीं आती उसको, एकदम अत्यंत आनंद से पढ़ता है, रात की नींद भी नहीं सोए तो भी उसको कोई कष्ट नहीं लगता, कम भोजन करने में कष्ट नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता उसको? क्योंकि उसको उसके फल में अत्यंत उत्साह है, उसको मालूम है इसका, इसके फल में मुझे क्या मिलेगा। ऐसे जिसे धर्म और धर्म के फल में उत्साह लगता है, जिसको धर्म के फल की प्रतीति, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है कि मेरे को इसके फल में संसार से छुटकारा मिल जाएगा, मोक्ष रूपी अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की, तो वो ये धर्म करते करते सोता नहीं, नींद आ सकती उसको? लड़की देखने वाले आए और लड़की सो जाए, बेटा इसके फल में तेरे को शादी हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि आदमी को उसका फल मालूम है। फल जो होता है ना, हमारे वहाँ ऑफिस में कहते थे कि किसी को भी मोटिवेट करना हो, कोई काम के लिए उत्साहित करना हो, तो सबसे पहला रूल उसको उसके उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाला है वो उसको निरंतर याद दिलाते रहो कि बेटा तेरे को इसके फल में क्या मिलने वाला है, तो जुटा रहे। ऐसे धर्म के फल में उत्साह कब रहेगा? जब इसके फल में हमको जो चीज़ प्राप्त होने वाली है, दुखों का अभाव और सुख की प्राप्ति, वो हमें निरंतर ख्याल में रहना चाहिए। तो धर्म और धर्म के फल में रुचि और उत्साह का नाम क्या है? संवेग। ऐसे बिल्कुल सुस्त सुस्त ढीले ढाले एकदम, जैसे कोई कोई किसी के ऊपर बोझ लाद दिया हो मन भर का, लोग कहते हैं साहब 7 दिन तो गुजर गए, अब 3 और निकल जाए। आज सुबह एक जने ने कही मेरे से, बोला 7 तो निपट गई, 7 दिन की पूजा तो 3 दिन की और निपटनी, निपट जाएगी, हम जैसे भी निपट ही जाते हैं। मैंने क्यों निपटाया तू भैया आराम से, तू क्योंकि निपटाने वाला काम है, उत्साह होना चाहिए अपने को, आनंद से प्रफुल्लित होवे क्या अपने को? कोई कलेक्टर नहीं 3 लोग का नाथ बनाने आया है, अपने को भगवान जिनेन्द्र की वाणी सुनने को मिल रही है, सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति की चीज सुनने को मिल रही है। एक छोटे से छोटे बच्चे जरा जरा से पद के लिए रात दिन एक करते हैं, और अपन इतने उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए उत्साह नहीं हुए, अंदर से चेहरे मुरझाए मुरझाए रहे एकदम, जैसे कोई क्या है, आनंद से खिलखिलाना चाहिए, प्रसन्न चित्त। धर्म के फल में कभी भी मतलब शिथिलता आएगी नहीं, यदि उसके फल में अपने को उत्साह रहेगा, धर्म के अंदर, धर्म के फल का अपने को लक्ष्य रहेगा कि इसके फल में क्या मिलेगा, उसका उत्साह रहेगा, शिथिलता नहीं आ सकती। बड़े से बड़े संयम वैराग्य के संयम तप का पालन हो सकता है। आगे क्या कहा देखो, वैराग्य, वैराग्य किन किन से है? वैराग्य धर्म से नहीं, वैराग्य काय काय से? संसार से, शरीर से, चतुर्गति रूप संसार अथवा राग द्वेष रूप संसार, और शरीर, शरीर माने ये जो अपना शरीर है इससे, और 5 इंद्रिय के विषय में। तो संवेग और वैराग्य की प्राप्ति करना हो, माने धर्म और धर्म के फल में रुचि के लिए, अथवा संसार से भय के लिए, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए, तो इसके लिए दो ही काम करना है। किसके स्वभाव का विचार करना है? चारों गतियों का, संसार का, और किसका? काया का। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए संसार शरीर भोगों के स्वरूप का ही विचार करना हो। आगे देखो, अब आगे 5 पापों की परिभाषा दी। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना, प्राणों का वध करना हिंसा है। अब ये जो प्रमत्त योगा शब्द है, ये आदि दीपक है, ये सबके साथ लगा लेना, चारों ही पापों की जो परिभाषा है उन सब में प्रमत्त योगात लगा लेना, माने प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से, क्योंकि हर एक कार्य में यदि वो प्रमाद के योग से तो वो पाप है, यदि प्रमाद के योग से नहीं है तो पाप नहीं। प्रमाद माने कषाय,
कषाय पूर्वक जो भी काम किया है वो पाप है, और बिना कषाय के यदि प्राणों का वियोग भी हो जाए तो वो हिंसा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा प्रमाद के योग से अन्य जीवों के प्राणों का वध होना हिंसा। वो प्रमाद का योग है, कषाय रूप प्रवृत्ति है, भले ही प्राणों का वियोग न भी हो तो भी हिंसा। ये जीव यत्नाचार पूर्वक कार्य नहीं करता, घर के अंदर चावल बनाना है, उठाए तो बोले में से और डाल दिए पानी, दाल उठाई और डाल दी, तो तुमने तो नहीं देखे ना कि सब कोई धंधूरी अंधूरी नहीं निकलते, भले ही ना भी निकले कदाचित किसी दिन, लेकिन तुम्हें बराबर पाप धंधूरी की हिंसा का दोष। तुम्हारा काम क्या है, यत्न पूर्वक देख के करना, फिर भले हो या ना हो, अपना काम अपने को देखभाल के करना, क्योंकि नहीं तो अपन ने तो हिंसा के परिणाम की, अपने तो मतलब प्रमाद तो था ही ना, तो अपने को तो हिंसा का दोष लगे। आगे देखो, वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति का नाम हिंसा है, ये तो वास्तव में भाव हिंसा है अपनी खुद की। देखो बाकी, और इसमें चार प्रकार की हिंसा भी आप लोग पढ़ना है सब। अब आगे चलते हैं अपन, देखो हिंसा के मान में असदी धानम नतम, असत बोलना अनर्थ है, असत माने तीन प्रकार का असत है, चार प्रकार का। सबसे पहले जो चीज है उसको कहना नहीं है, जो चीज नहीं है उसको कहना है, जो जैसी है वैसी ना कहकर अन्य रूप कहना, वो भी असत है। और इसके अलावा तीन प्रकार के असत्य और है, निंद वचन, निंद माने किसी की निंदा रूप हंसी के वचन, कठोर वचन, शास्त्र विरुद्ध वचन, मिथ्या श्रद्धान के वचन, ये सब निंद वचन। पाप संयुक्त वचन, किसी का छेदन करने रूप, छेदन भेदन मारण ताड़न, क्या सब्जी वो नहीं, वो सब्जी सुधारते हैं, सब्जी को अपने को मैंने, ये जितने ही वचन है छेदन भेदन मारण के, ये सब पाप संयुक्त वचन है, असत्य है ये। ऐसे अप्रीति के वचन, अप्रिय वचन जिससे आपस में प्रीति नष्ट हो जाए, किसी को भय उत्पन्न हो जाए, जो अन्य के परिणाम में खेद उत्पन्न करे, बैर पैदा करे, शोक कलह को करने वाली हो, माने कलह उत्पन्न हो जाए, शोक उत्पन्न हो जाए, तो ये सब कायम जाएंगे असत्य। समझ में आ रही है? अब आगे देखो, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम, अदत्त माने जो दिया नहीं गया है उसको कहते हैं अदत्त, और आदान माने ग्रहण करना, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना क्या है, चोरी। मेथुनम ब्रह्म, मेथुनम ब्रह्म माने मेथुन अब्रह्म है। अब अब्रह्म के दो भेद किए हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में तो क्या है, रतिजन्य सुख के लिए स्त्री पुरुष की जो भी चेष्टा है वो बहिरंग अब्रह्म है, और अंतरंग अब्रह्म निज स्वरूप की लीनता का अभाव, आत्मस्वरूप की लीनता का अभाव, ये अंतरंग अब्रह्म है। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में लीनता का नाम है ब्रह्म, और आत्मा में लीनता नहीं होना तो अब्रह्म। इसके बाद परिग्रह का लक्षण, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है, रुपये पैसे होने का नाम परिग्रह नहीं है। रुपये पैसे का नाम परिग्रह हुए तो जिनके पास डॉलर है वो, और आजकल तो डॉलर ज्यादा बड़ी चीज है रुपये पैसे, रुपया पैसा क्या परिग्रह ही नहीं हो तो दस बहिरंग परिग्रह में भी उसका नाम नहीं। संसार की वस्तुएं परिग्रह नहीं है, वस्तुओं के प्रति जो मूर्छा भाव है वो परिग्रह है। क्योंकि कई ऐसे भिखारी भी है दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन मूर्छा तीन लोक की, मूर्छा माने पर वस्तु मेरी है, पर वस्तु मेरी हो सकती है, मैं पर वस्तु का हूँ, पर वस्तु मेरी है, पर वस्तु मेरी होगी, मैं पर वस्तु का हूँगा, पर वस्तु मेरी थी, मैं पर वस्तु का था, ये सब संकल्प क्या है, मूर्छा, ये परिग्रह है। अब देखो व्रति कैसा होना चाहिए, निशल्यो व्रति, व्रति निशल्य होता है, कोई शल्य नहीं होती। शल्य माने काटा, जैसे शल्य किसको कहते हैं, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, जैसे काटा होता है वो निरंतर शल्य पैदा करता है, अपने को दुखी करता है, ऐसे यदि अंदर में कोई शल्य है अपने परिणामों में दुख उत्पन्न कर रही है तो कह रहे हैं अभी ये व्रति नहीं हुआ है। व्रति को कोई शल्य नहीं होती, कौन, क्योंकि ये तो सब सुख के कारण है, यदि उसके अंदर में कोई शल्य पड़ी है तो वो उसको दुखी कर रही है, तो दुख रूप परिणामों में व्रतों का सद्भाव रहना मुश्किल है, इसलिए व्रति को शल्य से रहित होना चाहिए। शल्य कौन कौन प्रकार की है तो कहते हैं तीन प्रकार की, कौन कौन सी, माया मिथ्या तो निदान, माया माने ठगने की वृत्ति होना, व्रति मायाचारी नहीं हो, ठगने की वृत्ति नहीं हो, ऐसी वृत्ति के मिथ्यात्व का अभाव,
अतत्व का श्रद्धान न हो, तत्व का श्रद्धान हो, और तीसरा निदान, आगामी काल में मुझे भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा निदान नहीं हो, निदान से रहित हो, समझ में आ रहा है, निदान शल्य। इसके बाद में वृत्ति के दो भेद होते हैं, अगार्य अंगारश्य, एक अगारी और एक अंगारी। अगारी किसको कहते हैं, घर सहित को अगारी, घर रहित को अणुव्रतो अगारी, जो अणुव्रति होता है वो ग्रह सहित होता है, अगारी होता है। ग्रस्त माने गृहस्थी के भाव का नाम ग्रस्त है, सब भाव सी बात है। अब आगे देखो, आगे सात प्रकार के शील व्रतों के नाम है, दिग देश अनर्थ दंड वृत्ति सामायिक प्रोशोध उपवासो भोगो भोग परिमाणा तिथि समिभाग व्रत संपन्नश्च। दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, इनमें तो क्या वृत्ति, दिग वृत्ति, देश वृत्ति, ये दिग वृत्ति, देश वृत्ति और तीसरी वृत्ति दिग वृत्ति माने दिशाओं से विरत होना, माने दशो दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना कि मैं जीवन पर्यंत इससे बाहर नहीं जाऊंगा। इनमें कहता हूँ कि इनका कोई मतलब नहीं, ये सब अपने शास्त्र में पढ़ने के लिए, क्यों आजकल एक फोन आ गया सबका, तो फोन आता है तो के तो ही नहीं कहाँ से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है, जिसके फोन है उसका कौन सा व्रत है बताओ, क्योंकि अपन पढ़ेंगे दशो दिशाओं के बाहर की जिसने मर्यादा कर रखी है वो दस दिशा की जहाँ की मर्यादा, मर्यादा के बाहर के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, अरे अपना इशारा नहीं कर सकता, खूंखार से पता नहीं सकता, रूप दिखा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, सब मर्यादा कर दी उस पर, वो वस्तु मंगा नहीं सकता, भेज नहीं सकता, इतनी सी, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये मर्यादा में आना है, वास्तव में तो देखो सबसे हटके अपने स्वरूप में आना है, तो ये उस सब के ये साधन है। अब यदि सब जिसने जोड़ रखा है पूरी दुनिया में तो ये बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, इसलिए ये जो सीमित होने के सब साधन, अपनी तृष्णाओं को सीमित करने के लिए सब उपाय हैं, तो ये अपने को सुखी करने के लिए, बिना परिग्रह का परिमाण किए तृष्णा समाप्त नहीं होती, ऐसे दशो दिशाओं में आने जाने की मर्यादा किए बिना दुनिया में घूमने का भाव खत्म नहीं होता, इसलिए सीमा कर ले। और वैसे भी देखो हिंदुस्तान के बाहर तो इस विश्व में कुछ नहीं, यदि सचमुच धर्म करना है तो, बाकी पैसा कमाना है तो एक अलग बात है, या खर्च भी करना है तो, लोग धार्मिक यात्रा का नाम देते हैं, जाते हैं यूरोप पे और कहते हैं धार्मिक धर्म यात्रा, मैंने कहा पाप यात्रा नाम दो, कम से कम ईमानदारी से सच्ची तो बोलो, अरे काहे के मंदिर के, तीर्थ यात्रा, अभी मैंने पढ़ा एक, मैंने आपको बताया ना सोशल ग्रुप की तीर्थ यात्रा, तो मैंने कहा देखें अपन भी कहाँ की तीर्थ यात्रा करते हैं, यूरोप तीर्थ यात्रा, वाह क्या यूरोप में भी तीर्थ खड़े हो रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो भोग यात्रा, और जितने भी भोगी ये पापी ये सब हमारे साथ चले, क्योंकि हम भी पापी है तुम भी हमारे साथ हो, कहने की हिम्मत नहीं है इतनी, नाम तो एकदम पॉलिश्ड है क्या, और क्या है इसमें कि साहब जैन फूड, क्या है जैन फूड, वो जो फूड बन रहा है वो तो कैसी होटलों में बन रहा है, वहाँ का फूड आ रहा है और जैन फूड के नाम पे खा रहे हैं, वही वेज बन रहा है, किन बर्तनों में बनता है अब जो भी है। तो ये दिग्व्रत दशो दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना, और जो मर्यादा कर ली दशो दिशाओं में आने जाने की उसमें और क्रम क्रम से और घटाते जाना, और अनर्थ दंड व्रत बिना प्रयोजन के कोई पाप कार्य नहीं करना प्रयोजन के तो कर सकते हैं प्रयोजन क्या है का? प्रयोजन माने अपने मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हो, मोक्ष मार्ग के प्रयोजन के अलावा मन वचन काय की क्रियाओं का त्याग, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत, समझ में आया, अपने मन की वचन की काय की कोई भी ऐसी क्रिया इसका मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं है उसका त्याग, वो अनर्थ दंड व्रत है। इसके बाद में चार और है, सामायिक प्रोशोध उपवास भोगो भोग परिमाण अतिथि समिभाग, अभी इस सबकी चर्चा आएगी। देखो इनकी परिभाषा बहुत अच्छी थी, पहली दो तो हो गई ना अपनी, दस दिशाओं का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना, जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना दिग्व्रत, और ग्रामादिक की निश्चित काल के लिए मर्यादा करना देश, गांव नगर देश आदि की निश्चित काल के लिए, और अनर्थ दंड वृत्ति जो उपकार ना हो अपना
और जो प्रवृत्ति केवल पाप के कारण है उसका त्याग करना, जिससे अपना उपकार नहीं हो, माने ना अपने आजीविका का कोई कारण हो उससे, ना आजीविका की सिद्धि हो और ना ही अपने मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो, ऐसे समस्त कार्यों का मनोचन काय से त्याग करना। इसके बाद सामायिक समस्त राग द्वेष का त्याग करके जिस स्वरूप में लीन होना, सामायिक साम्य भाव की प्राप्ति होना, प्रोषद उपवास, उपवास सहित एकासन प्रोषद उपवास रहते, भोगो भोग परिमाण, एक बार भोगने में आए भोग, बार बार भोगने में आए भोग, इनको मर्यादा में लेना, आज के दिन हम इतने भोग भोगेंगे, इतने भोग भोगेंगे, सीमा में लेना। अतिथि समीभाग, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है उसके लिए अपने बनाए हुए भोजन में से हिस्सा करके उसको भोजन कराना। अब इनकी देखो भावना, इनके अतिचार पढ़ो आपसे, संलेखना, पहले संलेखना है, मारणांतिकिम संलेखना जोशिता तथा वह मारणांतिक संलेखना का प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है, यानी व्रति, वो व्रति अपने पर भाव में धर्म को ले जाने में तभी समर्थ होता है जब वो अंत में संलेखना पूर्वक दे छोड़ता है, और वो प्रीति पूर्वक, क्या कहा, संलेखना मारणांतिकिम संलेखना जोशिता, जोशिता ने वो मारणांतिक की जो संलेखना है, मरण के अंत में जो संलेखना उसको प्रेम से धारण कर अत्यंत उत्साह से, तो वो व्रति के लायक। अब इनके अतिचार, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थवा सम्यक दृष्टेर अतिचारा, शंका, शंका माने जिन वचनों में, जिन भगवान के कहे गए वचनों में शंका होना, सात प्रकार के भय होना, क्या आत्मा को अखंड अविनाशी न मानकर उसको विनाशशील मानना, मेरा मरण हो जाएगा, मेरा क्या होगा, इस प्रकार का विचार करके भयभीत रहना, शास्त्र की आज्ञा का, शास्त्र की आज्ञा में निशंकित पना नहीं होना, संदेह होना, शंका होना, वो शंका नाम का दोष है। दूसरा है कांक्षा, मैंने धर्म के फल में इस लोक और परलोक के भोगाधिक सामग्री की इच्छा होना, किताब नहीं है, एक्चुअली किताब होनी चाहिए थी आप लोगों पर, सब लिखा है, इस लोक परलोक के भोगाधिक सामग्री की वांछा, किसके फल में, धर्म के फल में, तो वो दोष है। विचिकित्सा, दुखी रोगी दरिद्री इत्यादि मनुष्य त्रियंचर मुनिराज के शरीर को देखकर ग्लानी करना। इसके बाद में अन्य दृष्टि के दो दिए, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थव, तो प्रशंसा में तो क्या है, मिथ्या दृष्टि के दर्शन ज्ञान चाहित को देखकर उसको मन में भला मानना, ये प्रशंसा, और उसकी वचनों से स्तुति करना, वो संस्थव, ऐसे दो है, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थव, मन में भला मानना प्रशंसा है और उसकी स्तुति करना वचनों से संस्थव, किसकी, अन्य मिथ्या दृष्टियों की। और ये देखना, ये सब अतिचार है, यदा कदा लगे तो अतिचार और बार बार हो तो अनाचार। और दूसरी बात, ये अतिचार तभी कहलाते हैं जब कदाचित कचित कदाचित हो जाते हैं, कचित कदाचित मतलब अज्ञात भाव से कभी कदाचित लग गए, और कोई ये कहे कि ये तो अतिचार इसमें क्या है, तो उसी समय वो अनाचार, अतिचार लगते हैं, लगाए नहीं जाते। अब आगे देखो, व्रत शीलेशु पंच पंच यथाक्रमम, व्रत और शीलों में भी पांच पांच यथाक्रम से अतिचार कहे, व्रत और शीलों में मतलब पांच व्रतों में और सात शीलों में, सबसे पहला व्रत अहिंसा व्रत, उसके पांच अतिचार, बंद वदत छेद अति भारारोपण अन्न पान निरोधा, बंद किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकना, वो बंद है, वध दंडे से चाबुक आदि से मारना, वो वध है, छेद कान नाक आदि अवयवों को छेदना, ये छेदन है, अति भारोपण उचित भार से अधिक भार का लादना, क्या उचित भार से अधिक भार लादना, जितना वजन वो सहन कर सकता है उससे अधिक भार लादना, जैसे अपनी काम करने वाली भाई दे उसको कर, अरे पूरे दिन के लिए नहीं, घंटे भर के लिए काम करने वाली हो तो दो तीन घंटे बेचारे को लगाए रख, पैसे किस बात के दे रहे, पैसे तो जब तुम लेके आए थे तब तो तुमने एक घंटे की बात की, और कदाचित मैं कहता हूँ कि वो यदि उसकी शक्ति नहीं हो तो
तो भी धन का लोभ दिखाकर और उससे उसकी शक्ति से अधिक काम लेना, जैसे बेचारी बीमारी पड़ जाए, वो अतिचार है। अपने काम वालों को बिल्कुल आनंद से रखना चाहिए, बढ़िया प्रेम से। खासकर भाइयों को तो ऐसा रखना चाहिए जैसे अपनी घर की ये जेठानी है या सास है, क्योंकि सास तो ही काम आएगी, काम तो वही आएगी भाई। क्या बिल्कुल उसका अनादर नहीं करे, शक्ति से अधिक बाहर नहीं ला दे। सच में मैं मजाक नहीं करता, इस काल के अंदर वही सब कुछ है, क्योंकि अपने से हाथ से तो काम होना नहीं है। उसको बिल्कुल अच्छे से उसको अन्न पान निरोध, उसको भूख प्यास लग रही हो तो बराबर उसकी व्यवस्था करें, उसको भूख प्यास में बाधा नहीं देवे, अन्न पान रोके नहीं, पानी की पानी प्यास लग रही हो जो भी उसकी हो, भक्ष देवे ना, अपने अपने घर पे चाय बना के पिला दे उसको। आगे देखो, नित्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेख क्रिया नासा भार साकार मंत्र भेदा। नित्योपदेश मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना, रहोव्याख्यान स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना, कूट लेख क्रिया अन्य के बारे में झूठा लेख लिखना, न्यासा भाग, न्यासा भाग किसको कहते हैं, न्यासी, न्यास पारमार्थिक न्यास, न्यास कहते हैं धरोहर, धरोहर अपने को उसकी सुरक्षा के लिए मिली होती है, धरोहर केवल मालिक नहीं होती। न्यासी और ट्रस्टी का क्या अर्थ होता है, न्यासी और ट्रस्टी, ट्रस्टी का अर्थ होता है कि वस्तु की हिफाजत करना, माने उसका सीधा सीधा अर्थ बताए तो वो उस चीज का नौकर है। जैसे चौकीदार की क्या जिम्मेदारी है, चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है, कोई व्यक्ति ले नहीं जाए उसकी हिफाजत करना, उसका मालिक नहीं होता। तो न्यासा भाव माने किसी ने अपने को कोई धरोहर दे दी रखने के लिए, कितने दिन तक के लिए आपके पास रखी, अब समय हो गया, वो मांगने आया उसको दे दो। साकार मंत्र भेद, किसी कारण से दूसरे के मन की बात जानकर उसे अन्य को प्रकट कर देना, यह भी काय का अतिचार है, सत्य का अतिचार, किसी के दूसरे के मन की बात दूसरे को नहीं बताना, अन्य की बात अन्य तक ही रहना। अचोरी मृत्यु पांच अतिचार, स्तेन प्रयोग तदरातादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग माने चोरी का प्रयोग, चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी के उपाय बताना, स्वयं चोरी मतलब चोरी, चोर को चोरी के लिए प्रेरित करना, प्रेरित कराना अथवा प्रेरित करते हुए को अनुमोदना। स्तेन प्रयोग, स्तेन आरतादान चोरी की वस्तु का ग्रहण, चोर बाजार से माल खरीदना जिसमें टैक्स बचे ऐसा माल खरीदना, इसे चोरी का ग्रहण है। विरुद्ध राज्यातिक्रम राज्य की आज्ञा के विरुद्ध चलना, राजा ने जो नियम बना रखे हैं, जो टैक्स व्यवस्था बना रखी है उसके विरुद्ध चलना। हीनाधिक मानोन्मान लेने देने के बाढ़ जो है वो कम ज़्यादा नहीं रखना, लेने के देने में नहीं, देने में यूँ और लेने में नीचे से, दूध का लीटर होता तो वो लेते समय जब वो जो किसानों से दूध लेना होता है एक नीचे पीने में एक चोट लगाते, नहीं नहीं ऊपर से लगाते तो आता ज़्यादा है, जो अपने को देना है नीचे से चोट लगाए कम आएगा उसे। चोरी का अतिचार है। प्रतिरूपक व्यवहार, उत्तम वस्तु में खोटी वस्तु को अच्छी मिला के बेचना, मिलावट करना। ब्रह्मचर्याणुव्रत पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना आनंद क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेशा, दूसरों का विवाह कराना ये बहुत खतरनाक काम है, कभी कुछ गड़बड़ होगी ना तुमको याद करेगा सबसे पहले। अपने बच्चे बच्चे से निपट लो बहुत है, क्या अपन अपने खून के जो है, देखो अपने सगे हैं उनकी तो अपनी जिम्मेदारी है, इन दूसरों की अपने पास कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरों का विवाह कराना ये अतिचार है, कोई कोई बहुत अच्छा काम तो ही नहीं जो हम तुम करा रहे, अच्छा काम करा उसको इसकी प्रेरणा दे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे कि उसके बाद बच्चे बच्चे का विवाह ही करा। इसके बाद में परिग्रहिता गमन और अपरिग्रहिता गमन, जिसका कोई स्वामी हो उसको कहते हैं परिग्रहिता, जिसका कोई स्वामी ना हो वो अपरिग्रहिता। तो ऐसी दो प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री, इनके आना जाना आदि करना। आनंद क्रीड़ा काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर शेष अंगों द्वारा काम सेवन करना, मैंने और चार इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन करना, रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन के द्वारा सेवन करना, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना, यह भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमा,
ये जो 10 प्रकार के परिग्रह का अपने परिमाण किया, इसकी मर्यादा का उल्लंघन कर लिया, वो अतिचार। अब गुण व्रतों के अतिचार, ऊर्ध्वाधस्त तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधारानी, माने इनका व्यतिक्रम करना, तीन प्रकार की दिशाओं का व्यतिक्रम करना, ऊपर की अतिक्रम करना, नीचे की अतिक्रम कर लेना, बीच की जो एक समान एरिया की उसका अतिक्रम कर लेना, ऊपर जितनी मर्यादा की थी उससे ऊपर चले जाना ऐसा, और क्षेत्र की वृद्धि कर लेना, जैसा आजकल जरूरत ज़्यादा पड़ने लग गई इसलिए मैंने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है, और की गई मर्यादा को भूल जाना। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल क्षेपा, ये देखो सब आ गई। आनयन मैंने मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु को मंगाना व किसी को बुलाना, जिसने यदि हिंदुस्तान के बाहर की चीज़ों का हिंदुस्तान की मर्यादा करी ना, तो हिंदुस्तान की जिसने मर्यादा करी है वो फॉरेन प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता। पता कैसे नहीं चलता, उस पर सब लिखा रहता है, उस पर सब पे लिखा रहता है वो कहाँ से आई। हाँ हाँ, तो आप भारत के बाहर की चीज़ यूज नहीं कर सकते, मंगा नहीं सकते आप। ये तो सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, नहीं इसे लिखा तो मना ही है, देखो तो शास्त्र में लिखा है, तो यही है, तो इसलिए वो व्रती नहीं है यदि वो करेगा यूज, तो क्या है। देखो प्रति पुरुष को सही में इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसको क्या करना मोबाइल से, जिसको अपने शास्त्र अभ्यास और ज्ञान ज्ञान तब से लेना देना है, उसको दुनिया के अंदर संपर्क बढ़ाने से क्या मतलब। हाँ अपना कोई बिजनेस चल रहा हो कि हाँ ये है मेरे को, जैसे किसी को ठेके मिलते रहते हैं ना काम के ठेके, ऐसे उसको यदि काम के ठेके चाहिए हो तो फोन रखेगा, क्या मेरे को काम का ठेका मिल सकता है कभी भी कोई सर। लेकिन जिसको काम का कोई ठेका ही नहीं चाहिए वो क्यों फोन रखे, अपन तो इसलिए रखते हैं अपने पास, कभी कोई काम किसी को हो तो अपने काम मिल जाए। जिसको काम नहीं चाहिए, काम जिसने छोड़ दिया, उसको क्या मतलब है इन सब चीज़ों से। दूसरे व्यक्ति को काम बताना मर्यादा से बाहर के व्यक्ति को, खासी आदि इशारों से अपना अभिप्राय प्रकट करना, अपना रूप दिखाना, कंकड़ आदि फेंक के अपना कार्य कराना, ये सब अतिचार। अनर्थ दंड के सुनो, कंतर्प कोतकुच्य मोखर असमीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग अनर्थक्यानी। कंदर्प माने राग भाव की तीव्रतावश हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना। कोतकुच्य कंदर्प के साथ शारीरिक कुचेष्टा करना। मोखर धीरतापूर्वक कुछ भी बकवाद करना। असमीक्षाधिकरण प्रयोजन विचारे बिना अधिक प्रवृत्ति करना। उपभोग परिभोग अनर्थ आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा का संग्रह करना। धन हो तो उसका क्या मतलब है, घर को अटाला घर बनाना। धन है तो भी अपने को जितनी आवश्यकता पड़े उतनी लेना, क्या दुनिया में भोगो भोग की वस्तुएं दूसरों के लिए समर्पित। अपन को जितना चाहिए, जैसे नदी बह रही है अपने को एक गिलास पानी चाहिए, ले लिया। जब आप बह रही है तो अपन को हंडे ही भर लो, पीने के लिए एक गिलास ही चाहिए, कभी काम पड़ गया तो नहीं, काम पड़ेगा तो वो ले लेंगे। ये आदत ऐसी अपनी प्रवृत्ति में होना चाहिए। अरे वो तो उदाहरण दिया मैंने, पानी के ऊपर मत लगाओ, दूसरों पे सब पे लगाओ। क्या जैसे अपने को एक चीज चाहिए, देखो अपने को आने जाने के लिए, जैसे अपने को कहीं भी जाना आना है तो अपने को पाँव के लिए एक चरण पादुका है बहुत है। लेकिन आजकल लोगों के घर में चरण पादुका दिखती है, मैंने अलमारियां जिनवाणी की नहीं मिलेगी, चरण पादुकाओं की मिलेगी। अब वो मैचिंग के हिसाब की चूजी आप जानो वो क्या है। लेकिन ये सब अत्याचार है भाई, क्या अपने को ये सच में धर्म करना है जीवन में, आवश्यकता से अधिक वस्तु का यदि संग्रह है वो दोषकारी है बस, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कर ले अपन इसको पूरा, टाइम तो हो गया अपना, 5 मिनट पूरा कर देते हैं। योग दुष्प्रणिधान अनाधार स्मृति अनुपस्थानी। योग दुष्प्रणिधान माने योगों का दुष्प्रणिधान, काय वचन और मन, इनका अन्यथा प्रवर्तन माने सामयिक के काल में शरीर को हिलाते धुलाते रहना, वचन अशुद्ध उच्चारण करना, जो बोल रहे हैं उसमें मन नहीं लगना, और मन जो है जो बोल रहे हैं उसका उच्चारण नहीं करना व्यवस्थित, भूल जाना पाठ आदि को, और मन जो है इधर उधर घूमते रहना। अनादर, अनादर माने सामयिक के काल में उत्साह नहीं, सामयिक में उत्साह नहीं होना, अनादर पूर्वक जैसे तैसे करना,
करो पूरा खत्म करो भैया। स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान माने एकांत के अभाव में पाठ आदि को भूल जाना। भूल ही जाना क्या है, क्या पढ़ रहे थे, कौन सा हो गया भैया, कौन सा हो गया, क्यों इनसे पूछो कौन सा, मेरे को भी याद नहीं कौन सा हो गया, सबका हो गया सामायिक। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग, आदान, संस्रोव, क्रमण, अनादर, स्मृति अनुपस्थानानी। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित माने बिना देखे बिना सोधे जमीन पे मनमूत्र का त्याग करना, पूजा के उपकरण आदि स्वयं वस्त्र आदि ले लेना, संस्थ माने भूमि पे आसन आदि बिछाना, ये सब प्रोषोध उपवास प्रत्यतिचार। क्या होता है कि आदमी जो उपवास करता है, एकासन करता है, तो उसके शरीर में शिथिलता आ जाती है, तो शरीर से शिथिलता आ जाती है, तो ये सब चीज़ें होती है। क्या चीज़ें होती है, बिना देखे बिना सोधे कहीं भी जो है आसन बिछा देगा कि शरीर चलता नहीं है, तो शरीर चलता नहीं तो चटाई लेनी है, इसे उठाएगा नहीं, रगड़ेगा सरकेगा। क्या पूजा के उपकरण होंगे तो अच्छे से देखेगा नहीं, कैसी कर देगा। तो उन्होंने यहाँ पकड़ा उसको कि देख तो उतना ही एकासन व्रत कर जितने से कि तेरे ये सारी क्रियाओं का निर्दोष रूप से पालन हो। यदि तू ये स्वयं क्रियाओं को करने में अनादर रखेगा तो तेरा व्रत नहीं पलेगा। तू रोज जितना धर्म ध्यान करता है उतना ही करे, पूरे उत्साह से करे और प्रमाद नहीं होवे और क्रियाओं के पालन करने में यत्नाचार हो गए, जीव जया का ध्यान हो गए, पूजा के उपकरण देख के भाल के करे उपयोग, उत्साह रहित आवश्यक कार्य करना। स्मृति अनुपस्थान, आवश्यक कार्य करना भूल जाना, कोई कार्य कोई छह आवश्यक है अपने भूल जाना कोई काम करना, अथवा भूमिराज के आवश्यक कार्य ना, आवश्यक कार्यों को भूल जाना। इसके बाद में अगला, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विष दुख दुष्पक्व आहार। सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अमिश आहार और दुपक्व आहार, ये उपभोग परिभोग व्रत के अतिचार है पांच। जैसे कच्चे फल फूल लेना ये सचित्त है, संबंध आहार माने सचित्त से संबंध प्राप्त हुआ आहार, सम्मिश्र आहार माने सचित्त से मिश्रित हुआ आहार, गरिष्ठ आहार आधा पका आधा कच्चा आहार लेना, ये सब भोगो भोग परिमाण व्रत के अतिचार। अब समझने का तो अपन कभी और समझेंगे, आज तो अपन पाठ कर लेते हैं इसका। सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, यह अतिथि समीभाग व्रत के अतिचार है। सचित्त निक्षेप, सचित्त आहार रखना, अभिधान सचित्त द्वारा आहार को ढकना, पर व्यपदेश दूसरों की वस्तु ये के दान देना, मात्सर्य अनादर से देना और अन्य दाता से ईर्ष्या करके देना, उसने इतना दिया है तो मैं इससे डबल दे। कालातिक्रम भिक्षा के काल का उल्लंघन करके दान देना। अंत में संलेखना के अतिचार, जीवित मरना शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानी, जीने की होना कांक्षा मरने की होना इच्छा, होवे मित्रों का स्मरण नहीं होवे, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण और आगामी काल में भोगों की प्राप्ति का लालसा नहीं हो, ये पाँच है, समझ में आ गया। आगे अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वदानम, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना वो दान, अपनी वस्तु का है दूसरे की नहीं, दान अपनी वस्तु का होता है और अपने और दूसरों के कल्याण के लिए होता है। विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषा तद विशेषा, अब इसमें भी अंतर पड़ता है, किस विधि से दिया है, क्या द्रव्य दिया है, देने वाला कौन है लेने वाला कौन है, उस अपेक्षा से दान में उसकी बहुत विशेषता पड़ती है और जितना विशेष दान होता है मतलब जैसी जैसी विशेषता होगी वैसे उसका फल मिले। इति तत्वार्था तत्वार्थ सूत्रादिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय, सातवां अध्याय।